ये मुक्ति मंत्र
हुए पंचमे दिन निराला नव ज्योति जगाने वाला कोडलेस 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 इलो कोडलेस सर सर भाई।
Hello. Hare Krishna. आप कर ले, आप रखो भजन गाना। हरे क्या क्या इतना माइक क्या हो रहा है? हरे रमचंद गुरु आप कर ले। हरे कृष्णा, हरि ओम। जोर से बजा, जोर से बजा। हेलो 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 हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरि बोल, हरि बोल। श्री गुरुदेव की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीश्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामिते नाम्ने। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में अनंत कोटि दंड ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव भक्तिवेदान्त श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंड ज्ञापन करते हुए वृंदावन से आए समस्त भक्तों के चरणों में एवं बड़ौत भक्तवृंद के चरण कमलों में कोटि कोटि दंड ज्ञापन करता हूँ। आज श्रीमद् भागवत कथा का तृतीय दिवस है और बहुत ही उत्साह के साथ ये पर्व मनाया जा रहा है श्री गुरुदेव के अनुगत्य में। सबसे बड़ी बात ये कि वैदिक संस्कृति को कलयुग में समझ पाना बड़ा मुश्किल है। हरे कृष्णा, माता जी कृपा करके शांति बनाए रखे, नहीं तो माइक वहीं दे दिया जाएगा। जिन्हें इतनी अच्छी कथा आती है उधर माइक दो भाई। हरे कृष्णा। देखिए, चातुर्मास पूरा करके संत लोग हम जैसे अधम पापी ग्रह वेदी लोगों को जगाने के लिए आ जाते हैं। 12 मास में से 4 मास संत लोग प्रयास करते हैं कि किसी ऐसे धाम नहीं तो ऐसे किसी ग्राम में वास किया जाए जहां पर निर्विघ्न भजन हो सके। चातुर्मास के जो नियम है आप लोग जो बड़े मठ से जुड़ चुके हैं सब जान गए हैं। पत्रिका में आपने देखा भी होगा कि किस प्रकार से श्रावण, भादो, फिर आश्विन और फिर कार्तिक, 4 माह और साथ ही साथ पूरे वर्ष जो एकादशी हम लोग रखते हैं, ये हमारी वैदिक शुद्ध संस्कृति। बारिश के ये 4 महीने जिसे हम हमारे क्षेत्र में चौमासा भी कहा जाता है, इनमें हमारे ऋषिगणों, भक्तों और वैष्णवों ने काफी चीजों
पर निषेध किया कि सावन लग गया तो हरी पत्ती इत्यादि नहीं खानी, क्योंकि इसमें कीड़ा इत्यादि आने का डर रहता है। फिर भादों में दही, आश्विन में दूध और कार्तिक में सरसों का तेल, ये चार गृहस्थ लोग इसको जो भजन करना चाहते हैं नहीं पाते। वैष्णव लोगों के लिए तो बहुत सारी चीजें और भी हैं, लेकिन मोटा मोटा अगर घर में भी रहकर कोई भजन करना चाहे तो चातुर्मास जो भगवान जिसमें नारायण शयन करते हैं, चार महीने सोते हैं, हमारी और आपकी तरह नहीं सोते। हम कैसे सोते हैं? हमारी जो निद्रा है वह है तामसिक, तमोगुणी निद्रा। यदि हम सो जाएं तो हमें बाहर की कोई भी अवस्था का पता नहीं रहता कि मैं कौन हूं, मैं कहां रहता हूं और किस गांव में या किस कुल में हूं, कुछ भी भान नहीं रहता। जब निद्रा आती है ना, अच्छी निद्रा, कलयुग में तो वैसे निद्रा भी नहीं आ रही, लेकिन जब नींद आती है तो इसी प्रकार की आती है, कुछ पता नहीं चलता। और उस निद्रा में क्योंकि किसी भी चीज का भान नहीं होता तो उसे तमोगुणी प्रधान निद्रा कहा गया। लेकिन नारायण भगवान की निद्रा ऐसी नहीं, ये अविद्या रूपी निद्रा है और नारायण भगवान की निद्रा योग निद्रा कहलाती है। अर्थात बच्चों खेलने नहीं, खेलना नहीं बच्चों को, ये बच्चे जो खेल रहे हैं उनको बोलो बाहर जाकर खेल। ये किसके बच्चे हैं? योग निद्रा अर्थात भगवान नारायण हमेशा हमेशा जो संसार के गुण हैं उनसे हमेशा निर्लिप्त रहते हैं, कभी उनसे लिप्त नहीं होते। यहां कौन कौन से गुण हैं? तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। ये संसार में हमें बांध कर रखने वाली जंजीरें हैं। कोई तमोगुण में रहता है तो हमेशा आलस और क्रोध के वशीभूत रहता है, कोई रजोगुण में रहता है तो हमेशा क्रोध और धन संचय और बड़े बड़े प्रतिष्ठान बनाने की दौड़ में रहता है, कोई सत्वगुण में रहता है तो दान करने की इच्छा होती है और पूजा इत्यादि में इच्छा होती है, तीर्थ जाने की इच्छा होती है। ये तीनों गुण, इन तीनों गुणों से भी ऊपर शुद्ध सत्व कहा गया, जिसे वसुदेव अवस्था कहा जाता है। वह वसुदेव अवस्था में ठाकुर जी और शुद्ध भक्त रहते हैं वैष्णव लोग। तो भगवान नारायण जब सोते हैं तो शुद्ध सत्व, विशुद्ध शुद्ध सत्व में स्थित रहकर योग निद्रा में सोते हैं, और हमारी तरह घोड़े बेच के नहीं सोते, वो उसमें भी हमारे कल्याण के लिए ही सोते हैं। उसमें सोकर के क्या करते हैं? वो उसमें सोकर के समस्त जीवों के कल्याण हेतु ब्रह्मांडों की रचना करते हैं और वेदों की रचना करते हैं। भगवान जब सोते हैं तो उनके श्वास से वेद प्रकट होते हैं और ओंकार की ध्वनि प्रकट होती है और ठाकुर जी के रोम रूपों से अनंत ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। उन ब्रह्मांडों में हर ब्रह्मांड के अंदर एक एक ब्रह्मा जी, शंकर जी और विष्णु जी हर ब्रह्मांड के अंदर स्थित होते हैं और उनके द्वारा हम समस्त जीवों को वापस प्रकट किया जाता है, हमें जन्म दिया जाता है, हमारी रक्षा और पालन किया जाता है और बाद में जब हम नहीं सुधरते तो फिर से प्रलय करके उसको ध्वस्त कर दिया जाता है। ये सब किस लिए? ये सब इसलिए कि हम सब जीव ब्रह्मांड में आकर के
कल हम बता रहे थे भोक्ताराम हम लोग नहीं है, भोग करने की इच्छा रखने के कारण ही हमें ये जेल रूपी संसार मिला। लेकिन भगवान बड़े कृपालु दयालु हैं, वो कृपा करके बार बार सृजन करते हैं और अनंत ब्रह्मांडों में अनंत जीवों का कल्याण के लिए वहां पर उनको प्रवेश कराते हैं। नारायण का मतलब नार मतलब नर कहा गया संस्कृत में जीव को, हम सब को, हम सब जीव का जो समूह होता है उसे कहा गया नार। और ऐन मतलब होता है उनका गति, जीवों का जहां लक्ष्य, तो इसीलिए कहा गया नारायण। एक शब्द शब्दार्थ यह हुआ, एक नर जो आदि नर है और उस आदि नर जो कृष्ण नारायण है, उनको जब षष्ठी इत्यादि करने की इच्छा होती है तो उनके शरीर से दिव्य जल प्रकट होता है जिसे नार कहा गया, और वो जिसमें शयन करते हैं उसे अयन कहा गया, तो नाम पड़ा नारायण। उस जल को प्रकट करके और शेष नाग जो स्वयं बलराम जी ही शेष नाग का रूप धारण करके उनको योग निद्रा में सुलाते। हमें सोने के लिए भी क्या क्या चाहिए, देखो हम कितने दिखावटी हो चले। हमारे जो ठाकुर जी हैं वो तो शेषनाग पे सो जाते हैं और हमें डल्लभ के गद्दे पलंग इत्यादि सब कुछ चाहिए तो भी नींद नहीं आती, ये कलयुग में हो रहा है। तो ये चातुर्मास और एकादशी इसलिए जरूरी है कि संत लोग इसमें कृपा करके, कई बार हमारे चातुर्मास में भी गुरुदेव ने कथा की, कृपा करके आए और जाते हैं जहां पर भी उनको बुलावा आता है तुरंत जाते हैं जीवों के कल्याण हेतु। संत लोग सबको शुद्ध भक्ति में लगाने हेतु चातुर्मास में भी प्रवाह करके कथा करने जाते हैं। तो चातुर्मास व्रत हम सबको पालन करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जिस धारा में हम हैं, चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा में गए पुरी से, तो एक बहुत उत्कृष्ट भक्त जिनका नाम था वेंकट भट्ट, वेंकट भट्ट ने देखा चैतन्य महाप्रभु आए हैं जो साक्षात कृष्ण है और राधा रानी का अंग कांति और भाव लेकर के यहां पर प्रकटित हैं, तो उन्होंने चरणों में जाकर दंडवत प्रणाम किया और प्रणाम करके उनके शरीर में चैतन्य महाप्रभु का दर्शन मात्र से पूरा शरीर पुलकित होने लगा और महाप्रभु से कहा, हे महाप्रभु चातुर्मास प्रकट हो रहा है, कृपा करके आप हमारे घर ये चातुर्मास यहीं पर ही आप रह करके पूरा इसको मनाएं। महाप्रभु ने पहले तो मना किया, नहीं मुझे तो और यात्रा करनी है। तब वेंकट भट्ट जो परम आदरणीय और बहुत उत्कृष्ट ब्राह्मण जिसको सब लोग बड़े आदर करते थे, उन्होंने वापस अनुनय विनय किया, प्रार्थना की महाप्रभु के चरणों में, तो उन्होंने सहज में ही स्वीकार किया और उनके घर चले गए। घर जाकर के चार मास तक वेंकट भट्ट और उनके उनकी पत्नी और बच्चे, जिनमें उनके छोटे बच्चे जिनका नाम था गोपाल, उन्होंने बड़ी सेवा की। घर जाते ही सबसे पहले उनके चरणों का प्रक्षालन किया, आरती उतारी और सुंदर सुंदर प्रसाद नैवेद्य उनको अर्पित किया और वहां पर उनको ठहरने की व्यवस्था पूरी तरह से पवित्र शुद्ध बना करके वहां पर विराजमान कराया। चैतन्य महाप्रभु ने उन पर बड़ी कृपा की, चार मास तक बड़ी सुंदर सुंदर उनको कथाएं कीर्तन इत्यादि सुनाते रहे और उनकी समस्त सेवाओं को ग्रहण करते रहे। यहां पर जो गोपाल जो ये सारी अपने पिताजी को सेवा करते देखते तो ये भी सेवा करते और सेवा में इतना मग्न हो गए कि आगे चल करके ये
षड गोस्वामी में जो हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी है वो हुए, जिन्होंने श्रीमद भागवत भूषण कहा जाता जिनको, और ये चातुर्मास की व्रत के कारण इतने उत्कृष्ट वैष्णव हुए, और चातुर्मास का प्रताप इतना बड़ा, यदि आप वृंदावन में जाएं तो आज भी गोपाल भट्ट गोस्वामी जो हमारे छह गोस्वामियों में से एक हैं, उन्होंने सोचा कि मैं इतने सारे शालिग्राम की सेवा करता हूं और मुझे अभी पूर्णता रस की प्राप्ति नहीं हो रही, काश मेरे पास श्री विग्रह होते श्री कृष्ण जी के। श्री विग्रह जो नए लोग हैं समझिए, मूर्ति, मूर्ति में जो प्राण प्रतिष्ठापित करते हैं उसे हम श्री विग्रह बोलते हैं। श्री विग्रह होते तो मैं उनकी बड़ी अच्छी से सेवा करता, रात्रि में सोचकर सोए हैं और रात्रि में भगवान ने सुकुन दिया, हे गोपाल भट्ट देखो तुम मेरी सेवा करना चाहते हो ना, तो चिंता नहीं करो, मैं शालिग्राम से ही प्रकट हो जाऊंगा, सुबह तुम मुझे अच्छे से सेवा करना, भोग लगाना, आरती करना, खूब अच्छे से मेरी पोशाक बनाना, क्योंकि शालिग्राम जी के लिए तो कुछ बनता नहीं था, पोशाक इत्यादि की जरूरत नहीं होती, लेकिन श्री कृष्ण जब साक्षात आएंगे उनका विग्रह आएगा तो उनके लिए सब कुछ चाहिए, अच्छे अच्छे फल भोग और अच्छी अच्छी श्रृंगार की ड्रेसेस सब कुछ चाहिए। तो स्वपन को देख करके जैसी सुबह 3:30 बजे उठे तो पूरा उनका मानसिक संतुलन बड़ा अच्छा था, भाव विभोर थे, और जल्दी जल्दी नित्यक्रम करके स्नान आदि किया, और जैसे ही अपने शालिग्राम जी का मंदिर उन्होंने खोला तो क्या देखते हैं, वहां शालिग्राम जी साक्षात श्री कृष्ण राधा रमण बन के प्रकट हो गए। बोलो राधा रमण बिहारी लाल की। आज भी आप जाएंगे तो वृंदावन के राजा जो है आजकल वो राधा रमण है, तो राधा रमण जी का आप दर्शन कीजिएगा, बहुत ही आनंद प्रदान करने वाले, बहुत ही आकर्षण करने वाले राधा रमण। किस किस ने किए दर्शन हाथ ना करें, अभी कम लोगों ने किए, अगली बार सब करके आइएगा, राधा रमण जी के दर्शन कीजिएगा, वो साक्षात प्रकट होकर के जो है गोपाल भट्ट जी की कृपा से उनके चातुर्मास नियम की वजह से वो इतने बड़े वैष्णव बने और राधा रमण उनके मंदिर में प्रकट हो गए। तो चातुर्मास की महिमा इतनी बड़ी है कि वह हर प्रकार से भगवान से मिला देती है। तो चातुर्मास में हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा कीर्तन करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि देखो मैं 4 महीने सोता हूं, अब भक्त कहते हैं 4 महीने आप सो जाएंगे तो हम आपका भजन कीर्तन इतना अच्छे से नहीं कर पाएंगे, जब आप जगे रहते हैं तब तो आप सुनेंगे भी हमारी सारी बातें, हमारी प्रार्थना कीर्तन इत्यादि, लेकिन जब सो जाएंगे तो इतने अच्छे से तो आप सुनेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी निद्रा ऐसी नहीं है, मैं आंख बंद करके भी आंख का काम कान से कर सकता हूं, कान का काम हाथ से कर सकता हूं, तुम चिंता मत करो, मैं सोते सोते तुम्हें सबको वरदान देता हूं, जितना मेरे जागते हुए तुम मेरा भजन करते हो 8 महीने, और जो चातुर्मास में जो भजन करेगा उससे कई गुना ज्यादा आपको उसका फल प्राप्ति होगी। इसलिए चातुर्मास में भगवान कई गुना ज्यादा भक्ति का फल प्रदान करते हैं, इसलिए एकादशी और चातुर्मास ये हमारे जीवन के आधार होने चाहिए, ये हमारी संस्कृति है, वैदिक संस्कृति को हम ना भूलें, इसको हम अच्छे से धारण करके हमें आगे चलना चाहिए। महाराज जी क्योंकि आज वक्ता ज्यादा है इसलिए वाणी भी विराम देना, अच्छा कम से कम चल चल दिया जा, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आज जोर से आज के एकादशी व्रत है, आवाज क्यों नहीं आ रही, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। किधर आ जाए, हाँ ये आपका बीच में हमारे एक छोटा बच्चा है, ये रोज मंदिर में आता है और पढ़ाई भी करता है
और बड़ा सुंदर। आप इनको जानते हो कौन कौन? आप इनको जानते हो? हाथ उठा उठा सब जानते हैं। हाँ, ये बढ़िया मृदंग बजाता है और रोज मंदिर में आता है, मंदिर की सेवा भी करता है, पढ़ाई भी करता है। इसलिए ये भी कुछ आप कथा सुनाए। खड़े हो गए, खड़े हो गए। ओम अज्ञान क्रीडांगस्य ज्ञानमेन्द्रियाकया चक्षुर्मीलितमिन् तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरूपस्य कृपा सिन्धुमयैव च प्रतिदानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवशादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोदश श्री श्रीमद भक्ति विदान सीता श्री गुरुदेव महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम और उनसे हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात नवीन प्रभु जी, चिराग प्रभु जी, सिद्धांत प्रभु जी, वृंदावन साई सही भक्तवृंद और उपस्थित सही भक्तवृंद के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आज जिस विषय पर मैं बोलने जा रहा हूँ वह विषय है भागवत भक्ति और भागवत भक्ति। श्री रूप गोस्वामी बताते हैं अनुकूलन कृष्ण अनुशीलम भक्ति उत्तमान। वे बताते हैं भगवान के हित के लिए जो किया जाता है, भगवान के हित के लिए जो एक भक्त अपने भगवान के लिए सेवा करते हैं, भगवान के हित को ध्यान में रखते हुए जैसे हम करते हैं, जैसे अभी सर्दियों का समय है तो हम भगवान के हित के लिए क्या करेंगे, भगवान को ठंडे पानी गर्म पानी से नहलाते हैं, भगवान को हम भोग लगाते हैं कि भगवान को भूख ना लगे इसलिए भगवान को हम भोग लगाते हैं, भगवान की फूलों की माला सेवा करते हैं, भगवान की अनेकों प्रकार से हम भगवान की सेवा करते हैं भगवान के हित में ध्यान में रखते हुए। तो ये होती है भगवत भक्ति जो एक भक्त अपने भगवान के लिए करता है। और भागवत भक्ति क्या है? भागवत भक्ति वह है वे भगवान जब अपने भक्त की सेवा करते हैं। किस प्रकार के भक्तों की सेवा करते हैं भगवान बताते हैं कि वे भक्त जो भगवान का 2400 घंटे भगवान का स्मरण रखते हैं, हमेशा उनका ही गुणगान चिंतन करते हैं, उनकी भगवान सेवक भगवान जो उनका हमेशा चिंतन रखते हैं, उन भक्तों की भगवान सेवा करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण है, श्रीमद् भागवत में एक बहुत अच्छा उदाहरण है जहाँ भगवान अपने भक्ति सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छे सुंदर तरीके से भगवान सेवा कर रहे हैं। तो अब अष्टम सप्तम स्कंद में एक बहुत अच्छे भक्त, छोटी सी उम्र के भक्त जिनसे हमें बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा ग्रहण करने को मिलती है वे भक्त है प्रहलाद महाराज जी। जब हिरण्यकश्यप का पूरा प्रताप तीनों लोक में था जिससे हिरण्यकश्यप से पूरी पृथ्वी डरती थी, अब पूरी पृथ्वी डरती है, तीनों लोक डरते हैं, मगर उन्हीं का बेटा नहीं डरता, वो विष्णु की भक्ति करता है। तो वे अपने बेटे से बोलते हैं मुझसे पूरी दुनिया डरती है मगर तू नहीं डरता है, मैंने तुझको डराने के लिए तुझको मारने के लिए कितने प्रयास किए, तुझको अग्नि में जलाने का प्रयास किया, तुझको पानी में डुबोने का प्रयास किया, तुझको ऊंचाइयों से फेंका मगर फिर भी तू नहीं मरा, और तू बोलता है कि तेरी रक्षा तेरा भगवान करता है। तो मुझको एक बात बता, यदि मेरे सैनिक किसी की रक्षा करते हैं और जिसकी रक्षा की गई है वो बोलते हैं कि मैं हिरण्यकश्यप की आशीर्वाद से बच गया, अब देख मैंने तो उसकी रक्षा डायरेक्ट नहीं की और वो बोलता है कि मैं उसके आशीर्वाद से बच गया, और तू बोलता है कि भगवान तेरे हमेशा भगवान तेरी रक्षा करते हैं हर समय हमेशा आकर, तो तू मुझे ये बता यदि तेरा भगवान अग्नि है तो पानी में किस प्रकार से रक्षा कर रहा है, तो तेरा भगवान है कहाँ? तो प्रहलाद जी बोलते हैं ये पूछो कि भगवान कहाँ कहाँ नहीं है, तो वो बोलते हैं कि भगवान तो हर जगह है, विष्णु का मतलब यही है इतनी व्याप्ति जो हर जगह व्याप्त हो। तो भगवान हिरण्यकश्यप बोलते हैं कि यदि तेरा भगवान इस खंभे में है, तो बोलते हैं हाँ इस खंभे में है, तो बोलते हैं कि मैं अपने मूष्टिक से इसका प्रहार करूंगा, यदि तेरा भगवान यहाँ प्रकट हो जाता है तो तुझको मैं छोड़ दूंगा, यदि नहीं प्रकट होता तो मैं तुझको अभी यहीं पर मार दूंगा। तो हाँ श्री विश्वनाथ चक्रपति ठाकुर पाद जी बोलते हैं यहाँ पे अपनी टीका में हमें बताते हैं कि भगवान क्या सोच रहे हैं, क्या भगवान का इतना सामर्थ्य नहीं है कि वे अपने धाम में बैठे बैठे अपने भक्त की रक्षा कर ले, भगवान ने पहले भी रक्षा की है तो क्या अब भी रक्षा कर सकते हैं यहाँ पर आकर, मगर
यहाँ पर विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर पाद जी बताते हैं कि भगवान आज आएंगे कि किस लिए आएंगे कि अपने भक्त की तो रक्षा करेंगे ही, अपने भक्त की वाणी की रक्षा करने के लिए आएंगे। भक्तों की वाणी की रक्षा करने के लिए भगवान ने बहुत अच्छी अच्छी लीलाएं की अपने भक्तों की वाणी की रक्षा के लिए। ऐसे ही राजस्थान में देवा करके एक संत होते हैं, वे जब राजा को माला पहनाने जाते हैं तो संत माला को माला में एक सफेद बाल देख लेता है। वो बाल देखकर संत को बोलते कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुमने मुझे किसी की पहनी हुई माला दे रहे हो। तो संत बोलते कि नहीं प्रभु, तो भगवान की माला पहनूंगा, भगवान की प्रसादी माला है, मैंने तो आपको वही दी है। तो बोलते हैं कि भगवान के सफेद बाल क्या कब से आने लगे। तो बोलते हैं कि भगवान की ही माला है। तो वे कहते हैं कि मुझको दिखाओ वे कहाँ है जिनके भगवान के सफेद बाल है। अब संत ने बोल तो दिया कि भगवान की प्रसादी माला आप दिखाई कहाँ से, भगवान तो हमेशा नवल किशोर है, उनके सफेद बाल कैसे आ सकते हैं। तो वे उस जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर से प्रसादी माला दी है। तो जब वे राजा मंत्री सभी देखते हैं तो बड़े हैरान रह जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भगवान की सफेद बाल कैसे हो गए। तो भगवान वे भगवान अपने भक्त की नहीं अपने भक्त की वाणी की रक्षा करने के लिए जो वेद बोलते हैं कि भगवान सदा नवल किशोर है, जिनकी उम्र कभी 15-16 साल से कभी ऊपर होती ही नहीं, आज के भगवान अपनी भक्त की वाणी की रक्षा करने के लिए एक बूढ़े रूप में प्रकट हुए हैं, उनकी सफेद दाढ़ी सफेद बाल है। तो आज वही भगवान आज प्रकट हो गए, नरसिंह रूप में प्रकट होते हैं। और जैसे ही नरसिंह रूप में प्रकट होते हैं, हिरण्यकश्यप को फाड़ उसका अपनी जंगा पर रखकर उसको फाड़ देते हैं, उसको वहीं पर मार देते हैं। और मार देने के बाद उस जगह को देखते हैं। अब कोई भगवान को क्या खून ये सब चीज पसंद है नहीं, मगर ये बड़े ध्यान से देख रहे हैं, वहां पर देख रहे हैं कि ये वही स्थान है जहाँ मेरे भक्त का जन्म हुआ है, मेरे भक्त के जन्म का एक स्त्रोत है। तो भगवान दिखा रहे हैं कि अपनी भक्ति कैसी भक्ति कर रहे हैं, भगवान अपने भक्ति किस प्रकार से भक्ति कर रहे हैं। जैसे हम ठाकुर जी की जन्म स्थान में जाते हैं, माँ की रज को अपने सिर पर धारण करते हैं, तो उसी प्रकार से भगवान उन उस आंत को फाड़ कर अपने गले में धारण कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि मैं अपने भक्त की किस प्रकार से रक्षा कर रहा हूँ, अपने भक्त की किस प्रकार से भक्ति कर रहा हूँ। तो बहुत अच्छी अच्छी इस प्रकार से दिखाते हैं। ऐसे ही उन भक्त जैसे वे प्रहलाद महाराज जी भक्त है, अब जो उनकी भक्ति करेगा वो कितना श्रेष्ठ होगा। तो बता ऐसी अष्टम स्कंद में एक बहुत अच्छी कथा है, जब गजराज पानी पीने के सरोवर में गया तो वो उसको मगरमच्छ पकड़ लेता है। जब मगरमच्छ पकड़ लेता है तो बड़ी खींचातानी होती है, बड़े दिनों तक उसके जो परिवार के जितने संबंधी सब उसे छोड़कर चले जाते हैं। अब वो सोच रहा है कि अब मैं यहाँ से बचूँ कैसे, तो वो क्या करता है कि जो पूर्व स्मृति है, क्योंकि पहले भगवान का भक्त ही था तो भगवान पूर्व स्मृति होने के कारण वह गोविंद बुलाना चाहता है, मगर सिर्फ वो ही वो पालता बोल पाता है तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। उसने गोविंद पूरा नहीं बोला, सिर्फ वो ही बोला तो भगवान प्रकट हो गए हैं। तो जैसे प्रकट होते हैं भगवान अपने सुदर्शन चक्र से उसके मगरमच्छ को काट कर उसको अपने धाम में ले जाते हैं गजराज को। जब गज अपने धाम में जा रहे होते हैं तो द्वार पर लक्ष्मी जी खड़ी होती है और उनके साथ एक पार्षद। तो भगवान पूछते हैं कि प्रभु ये पार्षद, लक्ष्मी जी से पूछते हैं कि ये पार्षद कौन है। प्रभु लक्ष्मी जी बोलते हैं प्रभु यही तो आपकी माया है कि आपकी जो भक्ति करता है उसमें जरूरी नहीं है कि उसे सिद्धि मिलेगी नहीं मिलेगी। तो वहाँ पर एक श्लोक बोलती लक्ष्मी जी कि सिद्धिर भक्ति माने थी संचय अच्युत सेवेना संचय अच्युत तक भक्त परिचर्य रतात्मना, कि भगवान यदि कोई आपकी भक्ति करता है तो उसमें संचय हो सकता है कि उसको सिद्धि मिलेगी या नहीं, आपका धाम मिलेगा कि नहीं, मगर जो आपके भक्तों की भक्ति करता है उसको अवश्य उसमें कोई भी संशय नहीं है कि भगवान की भक्ति मिलेगी और भगवान की धाम मिलेगा। तो यहाँ पर बहुत इसी प्रकार से हमारे अंदर भी यही उद्देश्य होना चाहिए कि हम मठ मंदिर में जाते क्यों है, भाई भगवान की यदि भक्ति कर रहे तो भगवान तो हर जगह है, भगवान हर जगह है तो हम माफ कर सकते हैं, अपने घर पर बैठे बैठे भगवान की भक्ति कर सकते हैं, मगर हम मठ मंदिर में इसलिए आते हैं कि भगवान की भक्तों की हम सेवा के लिए, भगवान के भक्तों की दर्शन करने के लिए, उनसे कथा श्रवण करने के लिए, उनसे कीर्तन सुनने के लिए। तो यही हमारे अंदर अभिलाषा होनी चाहिए कि हम मठ मंदिर में आ रहे हैं तो अपने भक्त भगवान के भक्तों की सेवा के लिए आ रहे हैं। जय जय श्री राम।
अगर पीछे मुझे था कीर्तन कर बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे भागवत में श्री कपिल देव अपना माँ को कहते हैं बोले माँ ये भगवान का नाम कौन ग्रहण कर सकता है बोले भैया भगवान का नाम सब नहीं ले सकते पापी का मुंह से तो प्रभु का नाम ही नहीं ले सकता उसको भगवान दुनिया की बात बोलो दिन भर भगभग भगव करते रहेगा बोले एक माला ठाकुर जी का करो बोले मुंह से प्रभु का नाम नहीं निकल रहा इसलिए यहाँ पर भगवान कपिल देव के बोले माँ वही व्यक्ति मेरे नाम को ग्रहण कर सकते हैं बोले कौन बोले पूर्व जन्म में जिसने चार काम करके आए कितना काम करके आए क्या किया है देखो ये भगवान कहते बोले अहोबत सपोच अतो गरियान जत जिहाग्र वर्तते नाम कुभ्यम यहाँ पर भगवान कहते बोले माँ जो व्यक्ति ठाकुर का नाम ग्रहण करते ना बोले अहो अहो मतलब क्या है बड़े सौभाग्य की बात है मतलब जो व्यक्ति प्रभु का नाम लेता है वो बड़े पुण्यात्मा है कल संपूर्ण जिह्वा में नहीं केवल जिह्वा की अग्र देश में जो प्रभु का नाम लेता है बोले चार काम क्या करते हुए आए आज मैं बताऊंगा कल आपसे सुनूंगा देखूंगा मेरे को कौन बता पाते हैं इतना साल से मैं सुनाता हूँ अभी भी आप बोल नहीं पाते इसलिए ध्यान देकर सुना बोले पहला काम है पूर्व जन्म में उसने सारे तपस्या कर चुके हैं ये पहला नंबर है और तरह तरह का तपस्या है जो पूर्व जन्म में सारे तपस्या कर चुके हैं बोले दूसरा काम क्या है बोले जगत में जितने तरह का दान है कोई हॉस्पिटल खोल दे कोई स्कूल खोल दे कोई कॉलेज खोल दे कोई अन्न छत्र खोल दे जगत का जगत में जितने बड़े से बड़े दान हैं वो पूर्व जन्म में सारे वो दान कर चुका है दो काम हो गया बोले तीसरा काम क्या है बोले पूर्व जन्म में जिसने सारे यज्ञ कर चुका है यज्ञ एक तरह का नहीं यज्ञ अलग अलग वाजपेय यज्ञ अश्वमेध यज्ञ अगर किसी ने 100 अश्वमेध यज्ञ कर दिया ना हम मरने का बाद सीधा स्वर्ग में इंद्र बन जाओगे सीधा इंद्र बन जाओगे ऐसे पूर्व जन्म में जिसने हर तरह का जो यज्ञ कर चुका है और चौथा काम किया है पूर्व जन्म में जिसने पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ है जो सारे तीर्थ कर चुका है बोले पृथ्वी में कितना तीर्थ है बता सकते हो कितना पृथ्वी में तीर्थ है बोले 6 अरब कितना तीर्थ है 6 अरब आपको पता है 100 करोड़ में 1 अरब होता है हैं ऐसे 6 अरब पृथ्वी में तीर्थ हैं बोले पूर्व जन्म में जिसने 6 अरब तीर्थ कर चुका है ये भगवान खुद कहते बोले माँ केवल उसकी जिह्वा की अग्रदेश में वही भगवान के नाम जप कर सकता है सभी नाम भी जप करेंगे हमारे गुरु जी एक समय एक माता जी हॉस्पिटल में पड़ी हुई थी बड़ा कष्ट भोग कर रहे थे एक बार हमारे बड़े गुरु जी को उनका बच्चों ने बुला करके ले बोले बाबा थोड़ी सी उसका आशीर्वाद करो जब हमारे वहां पर गुरु जी गए वो दैया रे मैया रे सारा दुनिया की बात कर रहे थे
बच्चों को देख लेना, बेटियों को देख लेना, उसको ये दे देना। बच्चों ने कहा माता जी कोई चिंता मत करो, हम सारे काम कर देंगे। इसलिए एक बार तू राम नाम तो ले ले, एक बार तू राधे राधे तो बोल दे। इतने में वो कहती हैं, बोले मैं इतना बोल नहीं सकती हूँ। देखो कितना बात बोल दे, मैं इतना बोल नहीं सकती हूँ। दस दस उसने वार को बोल दिया, दस उन्होंने अक्षर को बोल दिया, लेकिन उसका मुंह से एक बार भी राम का नाम और एक बार राधा नाम नहीं निकला। लेकिन उसका जो नाती पोती बड़े चतुर थे, वो सोच रहे थे दादी के मुंह से किसी तरह से एक बार नाम निकल जाए। बोले दादी ये बताओ तेरे मुंह से क्या नहीं निकल सकती। वो सोच रहे थी कम से कम इतना तो बोलेगी, राम नाम और राधे राधे नहीं निकल सकती। बोले तू जो बुलवाना चाहता ना मैं वही नहीं बोल सकती। इसका मतलब है देखना, दुनिया के लोग कोई कोई भक्त माला भी हमसे लिए हैं, तो कुछ दिन बाद में आते हैं बोले माला जब करते हो, बोले माला नहीं हो पाता, लेकिन दुनिया की सारे काम हो जाते हैं, लेकिन प्रभु का नाम नहीं कर सकते। इसलिए जो व्यक्ति ठाकुर जी के नाम जप कर रहे हो बड़ी सौभाग्यवान हो। इसलिए श्री कपिल देव कहते बोले माँ जिसकी जिह्वा की अग्र में प्रभु का नाम उच्चारण हो ये तो इतना बड़ा सौभाग्यवान, लेकिन जिसका पूरे जिह्वा में ठाकुर का नाम हो बोले उसकी सौभाग्यता हम बता ही नहीं सकते। बोले जो व्यक्ति दोनों कानों से प्रभु का कथा सुनते हैं बोले ये और भी पुण्यात्मा है। बोले जो व्यक्ति इन्हीं दोनों हाथों से ठाकुर जी की सेवा करते हैं बोले उनकी सौभाग्यता हम बता ही नहीं सकते हैं। जो व्यक्ति इन्हीं दोनों आंखों से ठाकुर जी को दर्शन करते हैं बोले वो भी सौभाग्यवान है। लेकिन जो व्यक्ति दोनों चरण से दोनों प्यार से घर से चलते हुए ये भागवत कथा में आते हैं, भगवान स्वयं कहते हैं बोले वो इतने पुण्यात्मा इतने सौभाग्यवान, उनकी सौभाग्य का हम वर्णना नहीं कर सकते। इसलिए जो लोग यहाँ पर कथा में आए हो, कीर्तन सुन रहे हो, कथा सुन रहे हो, आप लोग बड़े पुण्यात्मा है। इसलिए जब कीर्तन हो ना क्या करो, पीछे पीछे ताली बजा कर लिए ठाकुर का कीर्तन करना, और जो पुण्यात्मा तो वही लेगा और जो पापात्मा मुंह से नाम नहीं मिलेगा। इसलिए सबके सब बोलो पीछे पीछे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे
अब बताओ कि नित्यानंद प्रभु कौन है, कौन बोले हाथ उठा, वो कौन थे पूर्व जन्म में, अभी कौन है बोलो जोर से, बलराम। और ये गौरांग कौन है, ये गौरांग कौन है, ये श्री कृष्ण ही कलयुग में राधा जी के अंग का भाव लेकर के आए हैं। कहते इनके नाम लेने से क्या होता है, बोले जो कृष्ण है ना वो तीन जगह से टेढ़े है, लेकिन हमारी जो राधा रानी वो बड़ी सिद्धि साधी है, राधा रानी एकदम सिद्धि साधी है, इसलिए कलयुग में वही कृष्णा है, कलयुग में राधा जी के भाव और अंग का दिल लेकर के आए, आने का नाते कलयुग में वो बड़े दयालु, क्योंकि राधा रानी बड़ी कृपालु, इसलिए अब वृंदावन में जाओ ना कोई भी कृष्ण कृष्ण कोई नहीं कहते, क्या कहते हैं जोर से बोलो, सब श्री राधा जी का नाम लेते हैं, कारण है राधा रानी बड़ी दयालु, राधा रानी बड़ी कृपालु, कहते वही बलदेव प्रभु कलयुग में श्री नित्यानंद प्रभु रूप में आए, और इतने दयालु हुए जो जगाई माधा इनकी सर भी फोड़ दिए, बोले भैया कोई बात नहीं तुमने सर तो फोड़ी फोड़ी दिए, लेकिन एक बार मेरे प्रभु का नाम ले लो, एक बार तुम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक बार केवल मेरे प्रभु का नाम ले लो तुम्हारे सारे अपराध से मैं मुक्त कर दूंगा। इसलिए जब हम राधा कृष्ण का नाम लेते हैं ना, अगर तुम्हारी पूर्व जन्म का पाप है, राधा कृष्ण का नाम ले रहे हो, तुम्हारी हृदय द्रवित तो नहीं होगी, हृदय तुम्हारी पिघलेगा नहीं, लेकिन तुम जितने बड़े से बड़े पाप कर्म क्यों नहीं किए हो, लेकिन जब नित्यानंद प्रभु और श्री महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु का नाम लोगे ना, सारे अपराध सारे पाप से वो मुक्त कर देंगे, क्यों, वो बड़े दयालु हैं, वो बड़े कृपालु हैं। इसलिए जब हम महामंत्र जप करते हैं पहले कौन सा नाम लेते हैं बोलो, नाम हरि नाम करने से पहले कौन सा नाम लेते हो, जोर से, पहले हम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद, बोले ये श्री कृष्ण चैतन्य कौन है, ये स्वयं कृष्ण, बोले नित्यानंद प्रभु कौन है, बलदेव, बोले ये अद्वैत आचार्य कौन है, क्या चुप क्या हो गए, कहते ये सदाशिव श्री महाविष्णु से सदाशिव है, बोले ये गदाधर पंडित कौन है, राधा रानी, और ये श्रीवास पंडित कौन है, नारद जी, ये श्री नारद जी। इसलिए कलयुग में भगवान ये पंच रूप में आए और सर्वत्र उन्होंने हरि कीर्तन को प्रचार किया, इसलिए जब नित्यानंद महाप्रभु का नाम लेते हैं हमारे सारे अपराध खत्म हो जाता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, निताई गौरांग जय, 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 निताई 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 गौरांग जय, निताई 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 गौरांग जय, हरे कृष्ण Hare 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 Hare
कथा वृंदावन की जय। आज के आनंद की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र की जय। श्री बड़ौदावासी भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राम। ओम ज्ञानतिमिरामुदस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ईश्वरदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुष्ये नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पति गोपेश सहगोपिका कांत श्रीराधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वृंदाई तुलसीदेवी प्रिया ऐ केशवस्तच कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः। तमादिदेवं करुणानिदानं तमालवर्णं सुहृदावतारं अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतं स्वरूपं। जन प्रभजन्त मनुपीतम अपीत कृत्यं द्वैपायन विरहका तर आयु भाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुं स्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान त्वस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरञ्चैव नरोत्तम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद सबका हाथ उठा कर बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बार जोर करके बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। इस बार आप लोगों को मैं सुनूंगा जोर से मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोतर सतश्री श्री श्रीमत भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत बटी साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोतर सतश्री श्री श्रीमत भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ एवं अन्य वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री सुतो गोस्वामी को सौनकादि ऋषियों ने छह प्रश्न की थी। पहला प्रश्न था क्या था आत्मा को शांति कैसे मिले। दूसरी कृष्ण की सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी हमें
कथा सुनाओ। चौथा प्रश्न है, केवल कृष्ण नहीं उनकी अवतारों का भी कथा सुनाओ। पंचमा प्रश्न था भगवान की जो महिमा, वो महिमा को बोलो। और छठवां प्रश्न था, जब भगवान ये जगत छोड़ करके चले गए कलयुग में, धर्म कहाँ पर आश्रय लिया। इसलिए गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे, भगवान कलयुग में सबसे सरल उपाय बताए। कलयुग में कोई जाग यज्ञ तपस्या कुछ भी करने का जरूरत नहीं, कोई परिश्रम की कोई जरूरत नहीं। हाथों में जो कुछ करो ठाकुर जी का सेवा मान करके करो, और मुंह में ठाकुर जी के नाम जप करो। इसलिए महाप्रभु बोले, बोले नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति स्तत्रार्पिता नियमित स्मरण न काल। महाप्रभु कहते हैं भगवान के अनंत नाम है, कितने नाम कृष्ण की। इसलिए हमारे एक संत कहते हैं, बोले हरि नाम तो अनेक स्वरूप जस्वदनंदन आनंदवर्धन नंद तनयरस गोप। हरि नाम तो अनेक स्वरूप होत न थाकन त्रिनावर्तन स्वरूप। जैसे हरि अनंत हरि कथा अनंत, भगवान की कितने नाम भगवान की है, कितने ठाकुर जी का नाम है। फिर ठाकुर जी क्या कहते हैं, नियमित स्मरण काल। मैंने ये भी नहीं बताए, देखो जब पवित्र अवस्था में ही ले सकते हो, अपवित्र अवस्था में नहीं ले सकते, ये भी मैंने नहीं बताया। किसी अवस्था में भी ठाकुर जी के नाम को तुम ले सकते हो। लेकिन ठाकुर जी बड़े दुखी होकर कह रहे हैं, मैंने इतने सरल उपाय रख दिया, लेकिन तब भी ये जीव प्रभु का नाम लेना नहीं चाहते हैं, फिर इनकी कल्याण कैसे होगी। इसलिए वो कहते हैं कि जो कलयुग है ना, ये कलयुग साधारण कलयुग नहीं, कलयुग में कोई भी जन्म लेना नहीं चाहते। क्यों, ये जू का नाम ही कलयुग है। कली मतलब लड़ाई, घर घर में लड़ाई, बहू बहू में लड़ाई, बेटे बेटे में लड़ाई, देश देश में लड़ाई, जाति जाति में लड़ाई, लड़ाई लड़ाई छोड़कर कुछ है ही नहीं। इसलिए कलयुग में कोई भी जन्म लेना नहीं चाहते। लेकिन हम लोग जिस कलयुग में आए ना, भागवत का एकादश स्कंध में कहते हैं, बड़े बड़े देवता लोग, बड़े बड़े पुण्यात्मा लोग, जो सत्य युग में जो जन्म हुए हैं, सत्य युग कहते कृत्य युग है, क्योंकि धर्म चार चरण में निवास करता था, कोई भी पाप कर्म नहीं करते थे। लेकिन वो सत्य युग का जीव भी कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं। त्रेतया युग हम कहते ना राम राज्य, क्योंकि राम राज्य में आध्यात्मिक की आदि, दैवी की आदि, भौतिक किसी तरह का कोई दुख कष्ट नहीं था। भगवान राम कुत्ते का जानवर का भाषा भी समझते थे, किसी को कोई भी कष्ट हो राम दरबार में अपना दुख को बोलते थे, ठाकुर समझते थे। लेकिन त्रेता युग का लोग भी ये कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं। और जो द्वापर युग में स्वयं कृष्ण परम ब्रह्म परात पर तत्व भगवान कृष्ण स्वयं आए, कृष्ण स्वयं आए, लेकिन द्वापर युग का लोग भी ये कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं। बोले क्यों, बोले ये कलयुग साधारण कलयुग नहीं, ये कलयुग धन्य कलयुग है, क्योंकि जिस कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु आए, ये हर समय नहीं आते हैं, ये ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आते हैं। बोले ब्रह्मा का एक दिन कितना दिन है, बोले 1000 चतुर्युग, बोले करोड़ों करोड़ों
साल को बाद में एक बार ये श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं, और चैतन्य महाप्रभु जब आते हैं ना, दोनों हाथों से प्रेम को लुटाते हैं। इसलिए महाप्रभु दोनों हाथ देखना ऐसे है, और देखना कभी कभी ऐसे है, हैं इसका मतलब क्या है? कहते प्रेम धन को ऊपर से गोलोक वृंदावन से लेकर के इन्हीं हाथों से वो प्रेम को सब जीवों को देते हैं। कहते कलयुग में ज्यादा परिश्रम करने का जरूरत नहीं, केवल चार नियमों को पालन करते हुए क्या करो, थोड़ी सी एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोला हरे कृष्णा सबके सब बोलो, कोई कुछ बोल नहीं रहा, हरे राम 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 हरे हरे, और एक बार बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। कहते स्वर्ग के देवता लोग भी ये कलयुग में इंसान बन करके आते हैं, क्योंकि वो दुर्लभ प्रेम को महाप्रभु आसानी से देते हैं। इसलिए आप लोग जो गले में कंठी बहने ना, जो तिलक लगाए, जो कंठी बहने, जो माला जप कर रहे हो ना, आप लोग साधारण व्यक्ति नहीं है। ये भागवत कहता है, ये पूर्व पूर्व जन्म में तुम लोग देवता से भी बड़े थे, तभी इसी कलयुग में आ करके हरि का नाम को ले रहे हो। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, जो व्यक्ति प्रभु का नाम ग्रहण करता है उसको तीन काम अपने आप हो जाता है। कितना काम हो जाता है बोलो, क्या क्या तीन काम है, किसको याद है, हमें कल पूछूंगा, आज सुन लो। पहला काम है, ध्यान देकर सुनो, हरि नाम लेने वालों का कितने सौभाग्य ये लोग है। कहते जमपुरी में श्री जम महाराज चित्रगुप्त को बुलाते हैं। चित्रगुप्त कौन है, जो छुपा छुप छुप करके हम जो कुछ कर्म कर रहे हैं सारे कर्म का जो फटो ले रहे हैं, मरने का बाद सारे निकलेगा। इसलिए वो चित्रगुप्त को बुलाते, बोले कापी लेकर के आओ। बोले क्यों, बोले ये व्यक्ति जो हरि नाम ले रहा है ना, इसका नाम नहीं काट दो, नाम किसको काट दो, ये और कभी नर्क नहीं आएगा। बोले गोलोक वृंदावन में राधा रानी अपना सखी को बुलाती है, बोले सखी रजिस्टर ले आ। बोले क्यों, बोले ये व्यक्ति का नाम को लिख दो। बोले किस लिए, बोले ठाकुर का नाम जप कर रहा है ना, ये सीधा गोलोक वृंदावन आएगा, सीधा श्री ठाकुर जी को पास में, राधा जी को पास में जाएगा। बोले तीसरा काम क्या है, बोले ब्रह्म लोक में ब्रह्मा जी आरती का थाला को सजाना शुरू कर देते हैं। बोले क्यों, बोले ठाकुर का नाम जप कर रहा है। जब ये भवसागर से पार होते हुए भूर भुव मोह जन तप सत्य लोक को पार करते हुए गोलोक वृंदावन जाएगा, ब्रह्म लोक को पार करते हुए जाएगा, तब मैं उसको आरती उतारूंगा, मैं उसका आरती उतारूंगा। हरि नाम ग्रहण करने का इतना महत्व है। इसलिए क्या करो, सवेरे उठ करके गुरु जी कहते थे सब काम छोड़ करके अपना भोजन करो, हजार काम छोड़ करके अपना काम करो, लेकिन करोड़ों काम को पीछे रख करके पहले भजन करो। करोड़ों काम को पीछे रख लो, रख करके पहले क्या करो, ठाकुर जी का नाम जप करो। जितने तुम काम समझते हो, लेकिन अंतिम समय में वो कोई काम तुम्हारी काम में नहीं आएगा। अंतिम समय में यही बोलेंगे, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात झूठा है। वो अंतिम समय में यही बोलेगा ना, बोले बोले सब झूठा ही है, जो सच ही प्रभु का नाम है, अरे भैया फिर हरि का नाम क्यों नहीं लेंगे। इसलिए सवेरे उठ कर क्या करो, सारे काम को पीछे रखो, माला लेकर के भगवान का नाम जप करो, गीता रामायण भागवत पढ़ो, उसको बाद में दिन भर क्या करो, प्रभु की घर का काम करते रहो ना दिन भर, लेकिन सवेरे उठ करके भगवान की नाम जप करनी चाहिए। इसलिए कलयुग में भगवान सबसे आसानी तरीका बताए। अभी श्री सौनकादि ऋषियों ने सुत गोस्वामी को प्रश्न करते हैं, आप कृपा करके ये बताओ, जैसे यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, अगर किसी व्यक्ति को बोलो भैया कथा हो रही है कथा सुनने के लिए आओ, हजार तरह का बहाना बनाएंगे, ये काम है वो काम है वो काम है। लेकिन उसी समय परीक्षित महाराज वो साधारण व्यक्ति नहीं थे, संपूर्ण ये पृथ्वी के ऊपर राज्य तो कर रहे थे। पहले ये पृथ्वी एक था, ये चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन इन्होंने सारे काम को पीछे रख करके
सात सात दिन तक बैठ के कथा सुना। क्यों? और जो कथा बोलने वाले वो भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। एक जगह पर उतना समय टिकते थे, रहते थे, एक गैया को दोहन करने, दूध दोहन करने में जितने समय लगे उससे ज्यादा समय नहीं रहते थे। लेकिन ये बचपन से कभी मुंह ही नहीं खोले, लेकिन जब एक बार मुंह खोल दिया ना, इन्होंने सात दिन तक उसने मुंह बंद ही नहीं किया। सात दिन तक ठाकुर की कथा सुनाते रहे, क्योंकि भगवान की जो कथा इतने मीठी, इतने प्यारी ठाकुर जी की कथा उन्होंने सात दिन तक सुनते रहे। और श्री व्यास देव जी ने ये भागवत ग्रंथ को क्यों रचना की, इसके पीछा केयर क्या रहस्य है? इसलिए आप कृपा करके, मैंने जो पूछा और जो नहीं पूछा, आप कृपा करके सारे बात को बताने का कष्ट करो। इसको सुन करके श्री सुतो गोस्वामी कहते हैं, बोले द्वापरी समन प्राप्ति तृतीय युग पर जाए व्यास पराशर उद्योगी तासव्याम कलया हरि। श्री व्यास देव जी ने अपना दिव्य दृष्टि से उन्होंने देखा, बोले क्या देखा? बोले ये कलयुग आने वाले, कलयुग में धीरे धीरे लोगों का बुद्धि ह्रास होती जाएगी, और विशेष करके कलयुग में कोई चीज प्योर नहीं मिलेगी। आप देखना सब चीज में मिला बेटा, लिखा होगा देसी प्योर घी, पता नहीं उसमें कितना चर्बी मिला हुआ होगा, है उल्टा पुल्टा चीज मिली हुई होगी। इसलिए कलयुग में हर चीज में मिलावट है, इसलिए धीरे धीरे लोगों का परमार्थ घटता आएगा, फिर इनकी बुद्धि भी धीरे धीरे ह्रास होते जाएगी। इसलिए पहले एक ही, पहले वेद था, लेकिन उन्होंने एक वेद को उन्होंने चार वेद रूप में प्रकटित किया। उसको बाद में उन्होंने फिर उपनिषद को उन्होंने रचना की, उसको बाद में उन्होंने ब्रह्म सूत्र बनाए, उसको बाद में उन्होंने सत्रह पुराण बनाए। लेकिन स्त्री और शूद्रों को वेद में अधिकार नहीं, उन्होंने पंचम वेद श्री महाभारत बनाए, जिसकी अंदर में ये भगवत गीता भी जिसको अंदर में है। लेकिन ये सब बनाने का बावजूद भी उनको शांति नहीं मिल रही थी, बड़ा दुखी होकर के बैठे हुए थे। इतने में श्री नारद जी बिना बजाते हुए ठाकुर जी की कीर्तन करते करते वहां पर पहुंचते हैं, बोले जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। देख करके व्यास देव संतुष्ट हो गए, बोले क्यों? बोले गुरुजी आ गए। गुरुजी क्या करते हैं? इनका नाम है गुरु। गुरु मतलब क्या होता है? बोले गुकार अंधकारत्वात् रुकारतस्य निरोधः। जो हमारी हृदय की अज्ञान को दूर करके हृदय में दिव्य आलोक को प्रकाश कर देंगे, गुरुजी का काम। जब देखा गुरुजी आ गए, बोले भैया घर का कोई चिंता नहीं, सब समस्या हल हो जाएगी। लेकिन गुरुजी आते ही बोले, बोले व्यास लगता है तू अंदर में बड़े दुखी हो। बोले गुरुजी आप सही नस पकड़ लिए हो, मैंने जीव कल्याण के लिए इतने सारे ग्रंथों को मैंने बनाई, मुझे शांति नहीं मिल रही है, इसलिए गुरुजी आप कृपा करके बताओ इसका क्या रहस्य है। तब श्री नारद जी बोले, बोले देख बेटा, बोले जथा धर्म दयाश्चार्था मुनि न तथा वासुदेवस्य महिमा। देख बेटा,
तुमने जो जो ग्रंथ रचना की ना, भविष्य में इसको लेकर बड़ी लड़ाई होने वाली। क्यों? जब तुमने शिव पुराण लिखा, वहां पर तुमने क्या बताया? सत्यम शिवम सुंदर, शंकर ही सब कुछ है, इनसे बड़े दुनिया में कुछ है ही नहीं। इसलिए अगर कोई शिव पुराण पढ़ लेना और शिव को छोड़कर और किसको बुझाई नहीं करेगा। जब तुमने देवी हैं, देवी पुराण को लिखे, बोले ब्रह्मा विष्णु महेश तो देवी से आए हैं, अभी नवदुर्गा के व्रत से व्रत रहते ना। इसलिए अगर वो पुराण कोई पढ़ लिया, वो मैया को छोड़ करके और किसको पुजाई नहीं करेगा। जहां पर तुमने सूर्य देवता की महिमा गाई, सूर्य तेज रास जगतपति, दुनिया को तेज देने वाले कौन? बोले सूर्य देवता। बोले उनसे दुनिया में कोई बड़े है ही नहीं। और जो गणेश जी की महिमा पढ़ लेगा ना, बोले भैया 33 करोड़ देवता पूजा होने से पहले सबसे पहले गणेश जी की पूजा होनी चाहिए। जहां तुमने नवग्रह की वर्णना की, अगर संगीत में पकड़ लिया बस तुम्हारी काम सब हो गया है। इसलिए उसको छोड़कर किसको पूजा नहीं करेगा। ये भविष्य में कलयुग में इसको ले करके आपस में लोग बड़ी लड़ाई झगड़ा करने वाले। लेकिन हे व्यास देव, जो जीव है ना, जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, जो जीव है वो ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, जीव केवल ईश्वर का ही अंश है। उसका एक ही मात्र कर्तव्य है, वो ईश्वर का ही आराधना करे। और ईश्वर कौन है? वो ईश्वर स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्र है। इसलिए जब तक तुम कृष्ण भक्ति को तुम खोल करके नहीं बताओगे ना, तब तक तुमको शांति नहीं मिलेगी। और पढ़ने वाले व्यक्ति को भी कभी शांति नहीं मिलेगा। इसलिए बोले जथा धर्म दयसारता मुनि बज्ञान कीर्तित न तथा वासुदेव स महिमा जनु वर्णित। तुमने जैसे धर्म अर्थ काम, कैसे पैसा कमाओ, कैसे पुण्य कम दान पुण्य करो, कैसे स्वर्ग जाओ, हैं, ये बात को तुमने बड़े बढ़ा चढ़ा करके बताए, लेकिन स्वर्ग में कब तक रहेगा? बोले जावत पुण्यम न समापते, पुण्य खत्म होते ही धक्का मार करके फिर गिरा देंगे, फिर यहीं पर तुमको आना पड़ेगा। बोले स्वर्ग की बात छोड़ दो, कृष्ण कहते आप ब्रह्म भुवना लोकात पुनरावर्तिन अर्जुन। जीव अगर पुण्य कर्म करके ब्रह्म लोक तो चल जाए, ये ब्रह्म लोक सभी जीव को पतन होगा, फिर इसी संसार में तुम्हें आना ही पड़ेगा, फिर तुम्हें दुख कष्ट भोगना पड़ेगा। लेकिन कृष्ण कहते हे अर्जुन, माम उपतुत्तु कंतय पुनर्जन्म न बीतते। जो केवल मेरी भक्ति करते हैं, मेरी उपासना करते हैं, वो मेरे धाम में जाते हैं, और जहां जाने पर कभी वहां से वापस नहीं आना पड़ता, कभी वापस आना नहीं पड़ेगा। बोले तत् प्रसादात पराम शांति, परम शांति परम आनंद तो तभी मिलेगा जब हम अपना घर में पहुंच जाएंगे, अपना घर में पहुंच जाएंगे। इसलिए अभी तुम दिल खोल करके भगवान की कथा सुनाओ, भगवान कृष्ण की कथा सुनाओ, भगवान राम की कथा सुनाओ, भगवान विष्णु की। और उनको जो शुद्ध भक्त हैं, उन लोगों ने कैसे भगवान को भक्ति करके भगवत प्राप्त हुई, ये कथा सुनाओ, जिसको सुन करके लोगों के हृदय में लोभ जगे। अरे उन्होंने ऐसे भजन करके भगवान को मिले, हम भी ऐसे भक्ति करेंगे। तब श्री नारद जी बोले देखो मैं इतना बड़ा संत कैसे बन गया, सारा दुनिया मेरी पूजा क्यों करते हैं? तो उन्होंने अपना आत्मचरित्र को सुनाया, कैसे ये चातुर्मास महीना में कैसे कुछ संत कैसे इनके गांव में आए। कहते मेरी जो जन्म है किसी दासी पुत्र रूप में जन्म हुई थी, अभी मेरी मैया ने देखा संतों के लिए प्रसाद बनाना शुरू हो गया है, अगर मैं संतों की थोड़ी बहुत सेवा कर दूं ना, मुझे भी प्रसाद मिल जाएगा, मेरे बच्चे को भी प्रसाद मिल जाएगी। इसलिए उनकी माता ने जाकर के संतों की सेवा करना प्रारंभ की। अभी मैया जो करेगा बेटा तो वही करेगा ना, अगर मैया अगर दिन भर स्मार्टफोन लेकर के उसमें लगी रहेगी, बेटा क्या सीखेगा? वो स्मार्टफोन वो भी व्यवहार करेगा। मैया अगर दिन भर टीवी खोल कर बैठी रहेगी, फिर बच्चा क्या सीखेगा? दिन भर टीवी खोल कर बैठेगी है। मैया अगर उल्टा पुल्टा काम कर, बच्चा क्या सीखेगा? वही तो सीखेगा, क्योंकि पहला गुरु कौन है? माँ है। पहला गुरु कौन है? माँ है। अगर माँ अगर सवेरे उठ करके ठाकुर जी की आरती करेगी, ठाकुर जी का नाम जप करेगी, रामायण पढ़ेगी,
गीता पढ़ेगी फिर बच्चा क्या करेगा, वही चीज को देख देख कर सीखेगा। इसलिए पहला गुरु कौन है, माँ है। अभी मैया सत्संग करने के लिए गई, संत सेवा में गई, बच्चा भी तो वही करेगा, बच्चा तो वही करेगा ना। इसलिए बच्चा भी जा करके उसने संतों की सेवा में वो भी लग गया, संत सेवा में। संत बोलते बेटा चाह बेटा थोड़ी सी फूल तोड़ करके ठाकुर को सेवा में लाओ। बच्चा दौड़ दौड़ कर जाता है, फूल लेकर के आता है, बोले बेटा ठाकुर जी के लिए थोड़ा चंदन घिस दो, ठाकुर जी के लिए चंदन घिसता है, हैं? बोले बेटा थोड़ी सी ठाकुर की सेवा के लिए लकड़ी ले आओ, और लकड़ी लाता है। अभी दिन रात ठाकुर जी की सेवा में। और क्या है, जब संतों लोग बैठ करके आपस आपस में हरि चर्चा करते थे, नारद जी कहते हैं व्यास देव विशेष करके मेरे अंदर में दो गुण देख करके ये संत बन गए। बोले पहला गुण क्या है, जिस बच्चों का 5 साल उम्र होगा क्या करेगा, वो खेलेगा कूदेगा। बोले मैं खेलता कूदता नहीं, जब संत बैठ करके हरि चर्चा करते थे कीर्तन करते थे मैं भी बैठ कर क्या करता था, मैं भी बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय संतों का जो रंग है मेरे ऊपर में चढ़ने लग गया। और जब संतों की रंग किसको ऊपर चढ़ जाए ना, भैया कहते चढ़े ना दूसरा रंग, उसको ऊपर में कोई दूसरा रंग चढ़ती नहीं। अभी जब उन लोग ने एक दिन संतों लोग आपस आपस में चर्चा कर रहे थे, अगर जीवन में जल्दी से जल्दी कोई भगवत भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, सबसे 3 उपाय सरल उपाय। बोले क्या है, बोले पहला नंबर है संतों की चरण धूलि ग्रहण करो, दूसरी चीज क्या बोले संतों की चरणामृत, और तीसरा है संतों की अधरामृत, उनकी हरि कथा व उनकी प्रसाद। ये 3 चीज जितने जल्दी भक्ति देने वाली जगत में, और कोई चीज भी इतना जल्दी भक्ति देने वाले नहीं। एक दिन उसने ये कथा को सुनी, संतों लोगों ने जब प्रसाद को ग्रहण करके पत्तलों में कुछ प्रसाद ही छोड़ दिया। इन्होंने सुना था संतों की प्रसाद में बड़ा शक्ति है, उन्होंने आदेश लिया आपका अधरामृत क्या हम ग्रहण कर सकते हैं। संतों तो इनको बड़े खुश थे, क्यों ये सेवा करता था, संतों प्रसन्न थे, बोले तुम प्रसाद ले सकते हो। श्री नारद जी कहते व्यास मैं तेरे को साची साची बता रहा हूँ, मैं तेरे को सच सच बता रहा हूँ, जब मैंने संतों का एक बार केवल अधरामृत लिया मेरे मन पवित्र हो गया, मेरे मन निर्मल हो गया, भगवान की प्रति मेरी रुचि प्रकट हो गई। 4 महीना खत्म होते ही संत लोग जब जाने के लिए तैयारी हुए, मैं भी कहा मेरे को अपना साथ में ले चलो, लेकिन मैया का मैं अकेला संतान था, मैया जाने नहीं दी। लेकिन कुछ दिन बाद में जब संत लोग गए तब मेरे को एक मंत्र दे करके बोले बेटा ये मंत्र को जप करते रहे हो। एक दिन मेरी मैया एकदम शाम का समय था, वो गई थी गो दोहन करने के लिए, एक जहरीले सर्प को ऊपर प्यार पड़ते ही वो सर्प ने मेरे मैया को काट दिया और मेरे मैया वहीं पर शरीर छोड़ दी। किसने कहा नारद जी तेरे मैया को सांप काट दिया, दुखी भी हुआ और सुखी भी हुआ। बोले क्यों, इसलिए सुखी हुआ अभी मेरे को भजन करने के लिए कोई रोकने वाले नहीं, अभी तो मैं भगवान की भक्ति कर सकता हूँ। देखो कभी कभी ठाकुर जी है ना कभी कभी परीक्षा करते हैं। भगवान कहते हैं जेकर अमारा आस तार करी सर्वनाश, तबु नाचारे अमारा आस तबे करी अमी दासर दास। समझ रहे हो, भगवान कहते हैं जो व्यक्ति मेरा आश्रय ग्रहण करता है ना,
कभी कभी उसकी आसक्ति वस्तुओं को मैं नष्ट कर देता हूँ, सारे आसक्ति वस्तुओं को नष्ट कर देता हूँ। जब नष्ट कर देता हूँ तब भी अगर मेरा आस नहीं छोड़ता है तभी मैं अपना दासों का दास बनाता हूँ। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अगर थोड़ी भक्ति कर रहे हैं थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाएगा ना, सबसे पहले हमारी शंका ये माला में कंठी और तिलक में आ जाती है, सबसे पहले शंका। इसलिए तो नहीं हो गया, हमने ये माला जप कर रहे हैं कंठी तिलक धारण कर लिया इसलिए तो हमारे जीवन में कष्ट नहीं आया, इसलिए खाना नहीं छोड़ेंगे, पहनना नहीं छोड़ेंगे, सोना नहीं छोड़ेंगे, घूमना नहीं छोड़ेंगे, पहले ये माला को छोड़ देंगे, पहले सबसे पहले ये माला को ही रख लेंगे। बोले भैया ऐसे नहीं करने चाहिए, भले ही सारा दुनिया छूट जाए लेकिन भगवान की भक्ति नहीं छूटनी चाहिए। मीरा का नाम सुने है ना, जब मीरा ने भजन की उसको जीवन में कितने विपत्ति नहीं आई, जब प्रह्लाद ने भजन किया उसको पिताजी जान से मारने के लिए कोशिश किया, क्या उसने नहीं किया मारने के लिए, लेकिन क्या उन्होंने भगवान की भक्ति छोड़ दी, भगवान की भजन उसने छोड़ दिया, और देखो सारा दुनिया में उन्हीं की ही जय जयकार हो रहा है। इसलिए श्री नारद जी प्रसन्न होकर के भजन करने के लिए चल पड़े और जंगल में प्रवेश किए। बड़ा सुंदर सरोवर जिसमें सुंदर कमल फूल खिला हुआ, बड़े सुगंधी पानी, उसको पेट भर करके पिए और एक जगह पर बैठ करके उन्होंने भगवान की मंत्र जप करना शुरू किया। भगवान की मंत्र जप करते 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 हृदय जब निर्मल हो गया, भगवान की एक झलक दर्शन करने को मिला। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। जोर से बोलो, बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। जब उनकी एक झलक ठाकुर का दर्शन हुई, कभी इनकी ये भावावस्था है। बोले भावावस्था का लक्षण क्या है, बोले कभी कभी भगवान की चरण की नुपुर की जो छम 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 आवाज सुनने को मिलता है, कभी कभी उसको ऐसे लगेगा जैसे ठाकुर जी आए और मेरे को स्पर्श किया और उनकी रोंगटे खड़े हो जाए, कभी कभी ऐसे लगेगा भगवान कृष्ण की मीठी मीठी बंसुरी की आवाज सुनने को मिलेगी, कभी को कभी कभी ऐसे लगेगा जैसे ठाकुर जी आए और अपना अधरा मृत उनको पिला करके चले जाए, वो अपना होंठ को चटना शुरू कर देता है, कभी कभी उसको ऐसे लगेगा मानो ठाकुर साक्षात सामने प्रकट हो गए और ठाकुर का इतने प्रकाश है मानो उनकी आग चकाचौंध हो जाएगा। कहते ये सबके सब भाव का लक्षण है। ठाकुर जी का तो एक झलक दर्शन मिला, दर्शन में इतने आनंद कहते करोड़ों ब्रह्मानंद मिल करके भी कृष्ण दर्शन का आनंद को साथ में बराबर नहीं कर सकते, इतने आनंद। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम, हर समय एक नई 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 आनंद प्रकट होता है भक्ति में। लेकिन ये जो दुनिया का आनंद है वो कभी बढ़ेगी नहीं घटेगी, दुनिया की कोई भी आनंद देखना कभी बढ़ेगी नहीं, हर आनंद घटते रहेगी। जैसे पहले शादी करो कैसे लगता है, पत्नी कैसे लगती है, ये चंद्रमुखी है, एक चंद्रमा आकाश में और एक चंद्रमा मेरे पास में, वही चंद्रमुखी कुछ दिन बाद में फिर सूर्यमुखी बन जाती है, फिर वही सूर्यमुखी बाद में ज्वालामुखी बनती है, हैं? फिर तो उसको बाद में मैं तेरे को नहीं चाहता हूँ, तू मेरे को नहीं चाहते हो, हैं? बाद में फिर ये शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे बढ़िया से बढ़िया रसगुल्ला खाओ, कैसे, बोले बहुत सुंदर है, और एक रसगुल्ला खाओ, बोले ठीक है, और एक हाँ ठीक ठाक, बोले और, बोले और नहीं, अगर चौथा खा लिया ना पंचमा में तुम्हारी उल्टी हो जाएगी। बढ़िया से बढ़िया सिनेमा आ जाए, बोले कैसे, बोला क्या सुंदर है, लेकिन उसको दूसरा बार देखो, तीसरा चौथा बार देखो ना, पंचम बार वहां बैठ नहीं सकते हो, वहां बैठ नहीं सकते हो। ये दुनिया की कोई भी आनंद देखो, जैसे बेटा खो गया, हाय बेटा खो गया, पागल हो जाते हैं। अगर 8-10 दिन बाद में बेटा मिल जाए ना, तू कहां गया था, एक बार छाती पर लगाएगी, फिर दो बार छाती पर, तीन बार फिर जा खेलते रहो। इसलिए जगत का कोई भी आनंद देखना कभी बढ़ेगी नहीं। बेटा बात नहीं सुनता, बेटा जन्म ले लिया, लेकिन जब बेटा जन्म होकर के
बेटा नहीं बेटा नहीं, जब बेटा जन्म हो गया, अभी बेटा जब शादी हो गई घर में ऐसे बहू आ गई, जब तक बहू नहीं आई ना बोले सबके घर में बहू घूमती फिरती लेकिन मेरी घर में नहीं, लेकिन घर में जब बहू आ जाए ना हाय रे कैसे बहू आ गई, बात नहीं सुनती है हाय रे कैसे बहू आ गई। ये जगत का देखना कोई भी आनंद है ना कभी इसी संसार में बैठते हुए नहीं देखोगे, हर आनंद देखोगे घटते हुए, लेकिन भक्ति में आनंद कभी घटती नहीं। भक्ति में प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम, हर मुहूर्त में उनको एक नई आनंद की अनुभूति होती है। जब ठाकुर जी एक बार दर्शन दे करके अंदर ध्यान हो गए, अभी तो रोना शुरू कर दिया, पर ठाकुर जी दर्शन नहीं देते तो नहीं देते, लेकिन दर्शन दे करके फिर कहां चले गए, आकाशवाणी हुई अभी पक को कसा नाम दुर्दश अहम कुजो बिना, बोले हे नारद अभी भी तुम्हारी अंदर में कुछ कसा है, मतलब कुछ अभी दोष है, इसलिए मैंने तुमको दर्शन दिया, केवल तुम्हारी उत्कंठा को बढ़ाने के लिए दर्शन दिया, इसी जीवन में और मेरी दर्शन नहीं होगी, इसलिए अगले जीवन में फिर मैं तेरे को दर्शन दूंगा। अगले जीवन में श्री नारद जी ब्रह्मा के मानस पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करके श्री गिरिराज की चरण को आश्रय करते हुए जब उन्होंने भजन किया, भगवान उनको दिव्य रासों में ठाकुर जी की दर्शन हुई, और ठाकुर जी की जुगल सरकार को जब दर्शन की, राधा रानी कृपा करके अपना प्रसाद बिना उनको प्रदान करते हैं, और कहते जब जब मैं ये बिना में ठाकुर जी का नाम करता हूँ ना, ठाकुर जी कहीं भी वो रह नहीं पाते हैं, ठाकुर जी दौड़ दौड़ करके आते हैं और मेरे को दर्शन देते हैं, जहां इच्छा करता है सर्वत्र भ्रमण करते हुए मैं ठाकुर का कीर्तन करता हूँ, जहां इच्छा करता हूँ सर्वत्र मैं भ्रमण करता हूँ। इसलिए हे व्यास देव ये मेरी जीवन की अनुभूति है, अगर तुम जीवन में शांति और सुख पाना चाहते हो ये भागवत ग्रंथ रचना करो, जिसमें केवल हरि की कथा छोड़ करके, केवल हरि कथा छोड़ करके और हरि की शुद्ध भक्तों को छोड़ करके और कोई कथा इसमें नहीं लिखना, तब तुमको आत्मा को परम शांति तभी प्राप्त होगी। जब बोल करके श्री नारद जी वहां से चले गए, व्यास देव भक्ति योग समाधि को द्वारा उन्होंने समाधिस्थ हुए, समाधिस्थ होकर के संपूर्ण गोलक वृंदावन का दर्शन किया, कैसे गोलक वृंदावन में कल्प वृक्षों को नीचे कैसे श्याम सुंदर कैसे मीठी मीठी बंसरी बजा रही, और राधा रानी कैसे उनकी बाम पार्श्व में खड़ी हुई, और जितने गोपियां उनकी जो अष्ट सखी ललिता विशाखा चंपकलता आदि कैसे सखियां चारी तरफ में बेष्टित है, कृष्ण कैसे जन्म हुए हैं, कृष्ण कैसे पुतना कुमारी, कृष्ण कैसे अघासुर कुमारी, कृष्ण कैसे श्री गिरिराज गोवर्धन को कैसे कृष्ण धारण किए, कृष्ण कैसे सत करोड़ गोपियों को साथ में प्रभु कैसे रास रचा रहे हैं, अपना दिव्य नेत्र से उन्होंने टीवी में जैसे सीरियल देखते हैं उन्होंने वैसे ही दर्शन किया, दर्शन करते हुए उन्होंने ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ को उन्होंने रचना करते हैं, बोले श्रीमद् भागवत कथा मृता मुखी जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री तेरे नाम की ओर चुनरिया
सुंदर ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ को रचना की
अभी सोच रहे हैं ग्रंथ तो बड़ा प्यारा ग्रंथ है, अभी पढ़ाए किसी को, लेकिन इनको जो बेटा श्री सुखदेव गोस्वामी थे वो बचपन से ही वो बैरागी बन करके बचपन से ही चले गए, अभी इनके चार ही चले थे। मैं देखा चलो मेरे एक कोई सुंदर तोता थी जो तोता उड़ते हुए चला गया, वो तोता को पकड़ करके ला सकते हो? बोले गुरुजी जंगल में बहुत सारी तोते, हमें क्या पता आपका तोता कौन। बोले मेरे तोते को पकड़ने का जरूरत नहीं, मैं तुम चारों को चार मंत्र सिखा देता हूँ, ये मंत्र सुन करके अपनी आप जो पकड़ में आ जाए समझना वही मेरा तोता है। पहला चेले को उन्होंने पहला श्लोक सिखाया, बोले वो कौन सा श्लोक है? बोले बराहा पिडम नटवर बपो कर्णयो कर्णिकारम विव्रत पास कनक कपिशयम वैजयन्ति च माला रंध्रान बेनुरधर सुधया पुरयन गोप वृंदै वृंदारण्यम सुपद रमणम प्राविशस्तात गीत कीर्ति। यदि ये श्लोकों को स्वयं श्री राधा रानी ने उच्चारण किया है, मतलब हमारे जो बांके बिहारी कितने सुंदर है, इसलिए कहते हैं ना बांके बिहारी के देख छटा मेरो मन हे गयो लटा पटा मेरो मन हे गयो लटा पटा मेरो मन हे गयो लटा। इसलिए हमारे बांके बिहारी कितने सुंदर हैं, इसलिए गोपियां कभी कभी उनको ताना मारती हैं, बोले क्या कहती हैं? बोले नंद लाला तू यदि हो तो लाली गला कट जाती कर्णों की। इसका मतलब है बोले कन्हैया अच्छा हुआ तेरे को लाली नहीं बना करके लाला बना दिया, अगर तू लाली होती इतने सुंदर तू इतने सुंदर हो लाली होती ना विश्व ब्रह्मांड के जितने क्षत्रिय हो तेरे को पाने के लिए आपस में युद्ध करके सबके सब खत्म हो जाते, इतने कृष्ण सुंदर है। इसलिए कहते हैं त्रिभुवन कमनीय विशेष शोभम है भूषणांग भूषणांग में, इतने सुंदर कृष्ण है। श्री सुखदेव गोस्वामी एकदम ब्रह्म में डूबे हुए थे, बोले परिनिष्ठित अपि नैर्गुण्ये उत्तम श्लोक निष्ठया। कहते एक होता है ज्ञानी और एक होता है जो ज्ञान में डूबा हुआ व्यक्ति हो। इसलिए सुखदेव गोस्वामी को कानों में जब ये श्लोक पढ़ा सुनते ही तो सुखदेव गोस्वामी पागल हो गए, और उन्होंने ये ध्यान को छोड़ करके ब्रह्म ज्ञान को छोड़ करके निकल करके आ गए कि वो जो ब्रह्म है वो निराकार है। इसलिए कोई कोई कहते हैं ना अरे भगवान तो निराकार है हा? उनको तो आकार नहीं, बल नहीं, वो निराकार नहीं, वो बड़े सुंदर है, वो बड़े सुंदर कृष्ण है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जिस समय श्री राम और लक्ष्मण जनकपुरी में गए, पहले जनक महाराज ब्रह्म ज्ञानी थे, वो भी भगवान को ऐसे निराकार निराकार बोलते थे, लेकिन भगवान राम का रूप को देख करके गोस्वामी जी कहते हैं बोले इन्हें बिलो कात आती हर सीता इन्हें बिलो कात आती हर भगवान को कोई निराकार निराकार बोलता रहे तब तक जब तक ठाकुर का दर्शन नहीं हो जाए। इसलिए ठाकुर का दर्शन मात्र से ही कभी सारे निराकार हृदय से खत्म हो गया और प्रभु राम का रूप में वो डूब गए, वो समझ गए ये ब्रह्म नहीं, ये कौन है, ये परम ब्रह्म है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी श्रवण करते ही बाहर निकल कर के आए, बोले भैया ये श्लोक तुमको कहाँ से मिला?
भले मेरे गुरुजी ने कहा मेरा एक कहीं तोता उड़ते हुए चला गया और वो तोता को पकड़ करके लाओ। हमने पूछा वो तोता तो जंगल में बहुत सारी तोते हैं, हमें कैसे पता चलेगा आपका तोता कौन है। बोले ये श्लोक सुन करके जो अपनी आप पकड़ में आ जाए ना, समझना ये तोता मेरी तोता है। उसने कहा मैं उनका ही तोता, मैं वही तोता हूँ। लेकिन वो तो देखने में बड़े सुंदर है, हैं? अगर केवल उनका रूप देख करके अगर मैं मोहित तो हो जाऊं, ऐसे नहीं बाद में मेरे को ठुकरा तो नहीं देंगे, हाँ मेरे को ठुकरा तो नहीं देंगे। इसलिए बताओ वो रहते हैं कहाँ पर। उनका जो दूसरा चेला था उसने दूसरा मंत्र को पढ़ लिया, बोले जयति ते धिकारम जन्मना व्रज उदाहरण देकर के समझाते हैं। बोले भैया भक्ति करोगे तो किसको भक्ति करनी चाहिए, ध्यान देकर सुना। कहते हम पूजा भक्ति करेंगे तो बांके बिहार की कुछ करेंगे, बहुत सारी देवा देवी ना, हम और भी तो किसी देवा देवी को पूजा कर सकते, ध्यान देकर सुना। इसमें बहुत अच्छी बात बताते हैं हम क्यों कृष्ण भक्ति करनी चाहिए और सब 33 करोड़ देवता कौन है उनको क्यों पूजा नहीं करे, बांके बिहार की क्यों पूजा करेंगे। एक उदाहरण देकर समझाए, जैसे आप अपना बेटी को कहीं शादी देना चाहते हो, जब शादी देना चाहते हो जब वो लड़के को देखोगे भले ही कोई चीज नहीं देखे, पहले देखोगे देखने में कितने सुंदर, पहले देखोगे ना बोले भैया पर्सनालिटी बड़ा सुंदर, बड़ा लड़का बड़ा सुंदर है। इसलिए बांके बिहारी ये जितने सुंदर है ना दुनिया में इतने सुंदर कोई नहीं है। माँ लक्ष्मी तक भी जब बांके बिहारी के रूप देखती है वो भी वैकुंठ त्याग देती है कृष्ण को पाने के लिए। बोले लक्ष्मी की बात छोड़ दो, कृष्ण इतने सुंदर हैं जब नारायण इनकी सुंदरता को सुनते हैं, नारायण आगे सुनेंगे बच्चों को चोरी करना शुरू करते हैं केवल कृष्ण दर्शन करने के लिए। बोले उनकी बात छोड़ दो, कृष्ण जब अपना रूप को मणि स्तंभ में अपना परछाई को देखते हैं, कृष्ण कहते हैं अपर कलित पूर्वम कश्च मत कर कारी, कौन है इतने सुंदर, ये कौन है। कृष्ण स्वयं पागल हो जाते हैं अपना रूप को देख करके, वो सोचते हैं कब मैं राधा बन करके आऊं और राधा रानी इनको आलिंगन करती हैं, राधा बन करके मैं कब इनको आलिंगन करूं। इसलिए कलयुग में कृष्ण स्वयं राधा जी की भाव अंग का लेकर के श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप में आई, वो अंत कृष्ण अंतर में कृष्ण है और राधा रानी इनको आलिंगन की हुई है। इसलिए जो गौर हरि रूप है ऊपर में तो गौरे हैं क्यों, वो राधा रानी है, वो अंदर में कौन है, ये कृष्ण है, ये राधा रानी कृष्ण का आलिंगन करके रखे हैं, ये श्री सचिन नंदन गौर हरि है। बोले श्री सचिन नंदन गौर हरि की, बोले श्री सचिन नंदन गौर हरि की, बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की। इसलिए कृष्ण जैसे जगत में कोई सुंदर है ही नहीं है। देखो भैया लड़का तो देखने में सुंदर है, देख लिया फिर क्या सोचते हो भैया कोई कमा धमा तो क्या कमा धमा रहा है, ऐसे नहीं लड़की को शादी देंगे लड़की तो भूखे नहीं रह जाएगी। इसलिए दूसरा प्रश्न करते हैं, भैया रहते हैं कहाँ पर, कोई कमाता धमाता कि नहीं। दूसरे श्लोक में बोले कमाता धमाता लक्ष्मी जिनकी चरण की सेवा कर रही है, बोले एक लक्ष्मी नहीं लक्ष्मी सहस्र सत सम ब्रह्म से विमानम, जहाँ हजार हजार लक्ष्मियां ब्रज में झाड़ू लगाती हैं, ये गोपियां और कोई नहीं है लक्ष्मी, सब गोपियां एक एक लक्ष्मी है। भैया अगर बेटी को शादी दोगे ना बेटी ठाड़ बाड़ में रहेगी, राज रानी बन करके रहेगी, इसलिए चिंता मत करो। उसका फिर तीसरा प्रश्न करते हैं, दूसरा चीज तो बढ़िया, तीसरा प्रश्न करते हैं उसका परिवार कैसे, ऐसे नहीं ससुर इतना लड़ाई करने वाले, सास इतने लड़ाई करने वाली और ननद भी उससे भी तेज है, हैं? ऐसे नहीं घर में लड़ाई झगड़ा करने वाले तो कोई नहीं,
अगर लड़ाई झगड़ा करेगा तो बेटी तो भाग आएगी। इसलिए तीसरा प्रश्न करते उनका परिवार कैसे है, बोले कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बोले उनका परिवार भी बड़ा सुंदर, बोले पिताजी का नाम बोले नंद, नंद मतलब क्या, सबको जो आनंद देते हैं, इसलिए कहते हैं ना नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। कहते उनकी माँ का नाम बोले जसोदा, यशोदा मतलब सबको जो जस देती है। बोले भैया कौन है, बोले दाऊ दयाल। क्या कहते दाऊ दयाल, बड़े दयाल हुए, बड़े कृपाल हुए। अगर बेटी को शादी करवाओगे ना बेटी खूब आनंद में रहेगी। बोले तीन चीज तो बढ़िया हो गया, तो चौथा चीज है बेटा का नेचर कैसे। भले ही बेटा देखने में सुंदर, घर में खूब पैसा है, परिवार भी बढ़िया, अगर दिन भर बेटा अगर पी पा करके पड़ा रहता है और बात बात में क्रोध आता है, बोलते ही हाथ उठाता है मारना शुरू करता है, बड़ा क्रोधी है, हैं? फिर जुआ दिन भर खेलता है, फिर आप अपना बेटी को शादी दोगे वहां पर। बोले भैया तू जितने बढ़िया पैसा तेरे पास में रख ले, जरूरत नहीं हम बेटी देने का। इसलिए चौथा प्रश्न करते हैं उसका नेचर कैसे है, और चौथा चिल्ला कहता है बोले अहो बकियम स्तन कालकूटम जिज्ञासया अपि असाधि। बोले उनकी दयालु, इनका नेचर, इतने सुंदर नेचर, इतने दयालु, जगत में इतने दयालु कोई नहीं। बोले हे कृष्ण करुणा सिंधु, वो तो करुणा की समुद्र है। बोले दीन बंधु, दीनों का बंधु है, हैं? उनके जैसे दयालु कोई नहीं। पुतना जब आई उस तन में कालकूट जहर लेकर के आई थी, लेकिन ठाकुर जी इतने दयालु, इतने दयालु, जो राक्षसी बच्चों को खून पीने वाली हैं, लेकिन उनको भी ठाकुर कौन सा स्थान दे दिया, उनको ठाकुर जी गोलोक वृंदावन भेज दिया। इतने दयालु गुना अवगुना प्रभु देखो ना कहा। इतना सुनते ही सुखदेव गोस्वामी पागल हो गए, हाथ उठा करके बोले कम वा दयालु शरणम ब्रजे मा, ऐसे कृष्ण को छोड़ करके और किसको भजन करोगे। भजन करना तो श्री बांके बिहारी को ही भजन करो। बोले श्री बांके बिहारी लाल की, बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की, जय जय श्री राधे। हाँ देखो अगर कृष्ण भक्ति करोगे ना, अगर तुम्हारी भक्ति करते करते थोड़ा उल्टा पुल्टा हो जाए, कृष्ण तुम्हारी कोई दोष नहीं देखेंगे, कोई दोष नहीं देखेंगे। जैसे बच्चा माँ की गोद में जब टाटी पेशाब करता है, क्या मैया बच्चों को फेंक देती है ना, साफ करती है, साफ करती है ना, फेंकती नहीं, क्यों, ये मेरे बच्चे हैं। उसी तरह जो जीव है हम सबके सब भगवान के बच्चे हैं, इसलिए कहते हैं ना तुमैव माता च पिता तुमैव, तुमैव बंधु सखा तुमैव, तुमैव विद्याम द्रविणा तुमैव, तुमैव सर्वम। वो हमारी पिता माता है। भक्ति करते करते गलती होगा ना ठाकुर जी माफ कर देंगे, तुम्हारे दोष नहीं देखेंगे, लेकिन कोई दूसरे देवा देवी को पूजा करो। अगर तुम्हारी भक्ति में थोड़ी सी उल्टा पुल्टा हो गई, लेने के देना पड़ जाएगी, वो तुम्हारी अपराध को माफ नहीं करेंगे, उल्टा एकदम सीधा उल्टा रिएक्शन होगी, एकदम सीधा। आप बताओ रावण किसको पूजा करता था, बोलो देखिए, बताओ रावण किसको पूजा करता था, भोले बाबा के पूजा करता था ना, तो भोले बाबा ने रखा किए उनको। महिषासुर किसको पूजा करता था, हैं? किसको पूजा कर, इसलिए जो इधर उधर देवादेवी को पूजा की ना, आप जितने पुराण खोल करके देखो, केवल एक विष्णु पूजा छोड़ करके, राम विष्णु और कृष्ण पूजा छोड़ करके, जिन लोगों ने इधर उधर देवादेवी को पूजा किया, सारे पुराण उठा करके देख लो, सबके सब ध्वंस हो गए। इसलिए मरते समय क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा है। भैया जब राम गोपाल का नाम सच्चा सब झूठा है, जिंदगी रहते हुए राम कृष्ण को क्यों भक्ति नहीं करोगे, जब सब झूठे ही है सबके सब, फिर तो सच्चे को भी तो प्रणाम करो। हाँ प्रश्न होता है क्या दूसरे दूसरे देवादेवी को अनादर करेंगे, बोले नहीं, भगवान इनको एक एक पोस्ट दिया है, सबको प्रणाम करते हुए सबसे भक्ति मांगो।
शंकर पार्वती कौन है, ये गुरु रूप में इनको देखो, इनको भक्ति प्रार्थना करो। हनुमान जी को राम की भक्ति मांगो, गणेश जी को भगवान की भक्ति मांगो। इष्ट ये कोई नहीं है, ये सबके सब ठाकुर जी की सेवा पूजा करने वाले, इसलिए इनसे प्रणाम करते हुए केवल भक्ति मांगो इनसे। लेकिन जो इष्ट है ना श्री बांके बिहारी को ही, इष्ट जीवन में केवल बांके बिहारी, राम और श्री विष्णु, यही तीनों ही केवल हमारे इष्ट हो सकते और कोई इष्ट नहीं। इसलिए भागवत में अभी जितने सब संतों की कथा सुनोगे ना, सब ये तीनों का ही महिमा आप लोग सुनोगे। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी को श्री व्यास देव ने पूरी की पूरी उन्होंने श्रीमद भागवत उन्होंने कथा सुनाए है। अभी ये कथा से अभी महाभारत का तरफ में ये कथा आ रही है। ये जो कथा आप लोग ने सुनी है, ये भागवत कथा का जो वक्ता वो कितने बड़े परमहंस है, अभी ये वक्ता की कथा सुने। बोले इसका श्रोता कौन है, बोले परीक्षित। अभी महाभारत की कथा आ रही है। देखो ये जो महाभारत है ना, ये दो कारण से ये महाभारत हुई है। अगर हमारे घर में वो दो चीजें आ जाएगी ना, हमारे घर में भी महाभारत हुई। क्या दो चीज, क्या चीज गड़बड़ी हुई जो महाभारत हुई? पहला नंबर में द्रौपदी ने अपना जिह्वा का चला दी। केवल उसने इतनी सी बात बता दी, अंधा का बेटा अंधा होता है। इसी सही दुर्योधन बिगड़ करके ये सारे अनर्थ होने लग गया। कभी कभी हमारे घर में भी यही बात होती है। घर में कुछ हुई नहीं, कुछ नहीं हुई है, बस किसी तरह से जिह्वा तुम्हारी थोड़ी स्लीप हो गई, थोड़ी जिह्वा में उल्टा पुल्टा कोई बात निकल गई, बस घर में फिर तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाती। मेरे को उसने ऐसे बताया, मेरे को उसने ऐसे बताया। अब विशेष करके ये माताओं के लिए होता है, ये माताओं के लिए होती है। इसलिए रामायण क्यों हुई, केवल मैया सीता ने लक्ष्मण को थोड़ी सी गड़बड़ी बात बोल दी। क्या बोल दी? जिस समय मारीच ने हिरण बन करके आए और रामचंद्र पीछे गए, वो हिरण नहीं था, वो था मारीच। जब राम ने बाण मारे, इतने में मारीच ने कहा, भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण। सीता ने बोले, लक्ष्मण तुमने सुना तेरे भैया पर कोई विपत्ति आई है? लेकिन लक्ष्मण को पता भगवान राम है, इनको पर क्या विपत्ति आ सकती है? बोले मैं नहीं जा सकता हूं, क्योंकि राम ने मेरे को निर्देश दी आपको रक्षा के लिए। इतने में सीता क्या बोल दी, बोले अभी मैं समझ रही हूँ तो साथ में क्यों आया था। तो ये सोच रहे हो राम मरेगा तो तुम इनसे शादी करोगे? वो तो जिनको माँ अपना आराध्य देवी समझती है वो कैसे सहन कर सकता है। उसने लक्ष्मण रेखा को काट करके बोले, देखो माता जी, जितने विपत्ति आ जाए लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना। लेकिन सीता ने दो गड़बड़ी किया। बोले क्या गड़बड़ी की? पहले तो अपना जिह्वा का चलाया और दूसरा उसने लक्ष्मण रेखा को पार किया तो किसने उठा करके ले गया, किसने उठाया? देखो उसी समय एक रावण था, अभी घर घर में रावण जन्म हो गए। यहाँ पर शिक्षा देते, देखो ध्यान देकर सुनो, जितने माताओं को ना ये दो चीज कभी मत किया करो, एक तो जिह्वा मत चलाओ, देखना नहीं तो तुम्हारे घर में भी ये महाभारत तो शुरू हो जाएगी, रामायण शुरू हो जाएगी। और कभी भी जो लड़कियां शादी अभी तक की नहीं, जो शादी भी कर चुके हो, कभी भी ये लक्ष्मण रेखा मतलब ये मर्यादा रेखा को कभी भी पार मत करो। उसी समय तो एक रावण था, अभी घर घर में रावण है, नहीं तो रावण क्या करेगा, तुम्हें उठा करके पास ले जाएगा, रावण उठा करके ले जाएगा। इसलिए जितने जो जो शादी नहीं किया जो लड़कियां है ना, सावधान, ऐसे नहीं जिसको तिसको था तो प्रेम करना शुरू कर दोगे, जिसको तिसको तो प्रेम नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बड़े अभी ये डाइवोर्स क्यों हो रहा है? पहले कभी डाइवोर्स का नाम सुने हो कभी? बड़े बूढ़ों को पूछ लो अभी डाइवोर्स क्यों हो रहे हैं। पहले यही नियम होता था, पिता माता जहां पर तुम्हारी जाति वर्ण के अनुरूप जहां पर शादी कराते थे, लड़कियां वहीं पर शादी करती थी, लड़के वहीं शादी करते थे। आप देखना घर में जो बड़े बूढ़ी माताएं, आप लोगों शादी से पहले कभी पति को देखने के लिए गए थे? लड़का कभी तुम्हें देखने के लिए आया था? बताओ लड़का कभी देखने के लिए आया था? कभी देखने के लिए नहीं आए। लेकिन देखा जीवन तुम्हारी बड़े आनंद से जीवन बीत गए, बीत गए कि नहीं? लेकिन अभी ऐसे काम नहीं चलेगा, उसका फटो देखेंगे, फटो देख के भी संतुष्ट नहीं,
कितने लंबी कितने चौड़ी, ऐसे नहीं काली को गोरी बना नहीं दिया तो फटो में है कुछ दिन घूम करके देख ले, कितना पता नहीं क्या क्या करती रहती है, तभी ये शादी नहीं टिकती है, तभी ये शादी नहीं टिकती है। इसलिए यहाँ पर सावधान करते हैं, कभी भी मर्यादा रेखा को माताओं को पार नहीं करनी चाहिए है। इसलिए इसलिए ये महाभारत की वहां पर शुरू हुई है, जहां पर जिस समय श्री परीक्षित महाराज मातृ गर्भ में थे, इतने में अस्वस्थ माने सोचा पूरा पांडव वंशों को मैं निर्वंश कर दूंगा, उन्होंने ब्रह्मास्त्र को उन्होंने प्रयोग किया, लेकिन इतने में उतरा जाकर के कृष्ण का शरण में चली गई, जाके राके साया मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जगह भैरी होई। ठाकुर जी स्वयं उनकी गर्भ में प्रवेश करते हुए और सुदर्शन चक्र घुमा घुमा करके उन्होंने ब्रह्मास्त्र को निस्तेज किया, उन्होंने गर्भ में ठाकुर को दर्शन किया था। इसलिए जब जन्म हुए ठाकुर जी को देख रहे थे, ढूंढ रहे थे, परीक्षा कर रहे थे, वो काले काले बांके बिहारी कहाँ हैं, हैं ये कृष्ण कहाँ पर, सबको परीक्षा कर रहे थे, इसलिए इनका नाम पड़ गया श्री परीक्षित महाराज। कभी ये परीक्षित महाराज भी साधारण नहीं, जिन्होंने मातृ गर्भ में साक्षात श्री ठाकुर जी को दर्शन किया। बोले श्री परीक्षित महाराज की, बोले श्री सुखदेव गोस्वामी की जय, जय श्री राधे। जब श्री परीक्षित महाराज जन्म हुए, अभी परीक्षित महाराज जिस समय राज्योत्व कर रहे थे, राज्योत्व करते समय एक दिन उन्होंने कुछ अनहोनी जैसे उन्होंने महसूस किया है। बोले मेरे देश में कहाँ अनहोनी हो रही है। उन्होंने अपना चतुरग्नि सैनी को लेकर के देखने के लिए गए, जब प्राचीन नदी को किनारे में पहुंचे एक आश्चर्य घटना देखा। क्या देखा, एक गैया बड़ी दुखी होकर के रो रही है और एक बैल का केवल एक प्यार है, और एक प्यार को तोड़ने के लिए एक काले रंग के एक शूद्र वो एक प्यार को तोड़ने के लिए कोशिश कर रहा था। वो बैल विष्टा मूत्र को विसर्जन करते हुए बड़ा दुखी होकर के रो रहा था। इसको देख करके श्री परीक्षित महाराज को बड़ा क्रोध आया, मयान से तलवार निकाले और जब मारने के लिए गए ना, वो था कली। उनको पता है ये श्री अर्जुन का वंशधर है, इनकी वंश में एक विशेष गुण है, जो व्यक्ति शरणागत होते हैं कभी उनको मारते नहीं, माफ कर देते हैं, सीधा उनके चरण में गिर पड़ा। बोले ये बताओ ये गैया कौन है। बोले ये पृथ्वी। बोले ये क्यों रो रही है। बोले कृष्ण ये संसार छोड़ करके चले गए, अभी ये कलयुग आने वाला, कलयुग में लोग बड़े पाप कर्म करेंगे, अभी ये पाप को मैं कैसे सहन करूं, इसलिए ये पृथ्वी रो रही है। तब वो बैल को पूछे, भैया तू कौन हो, तेरा तू ये दुख कष्ट क्यों भोग कर रहे हो। देखो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई, आप लोग ध्यान देकर सुनो, बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा देखो मैं किसको बुराई करूं, क्योंकि हमने जो कर्म किया है वो कर्म का फल जीव को भोग करना पड़ता है। जैसे हम बीज बोएंगे वैसे ही वृक्ष होगा। अगर हमने चीकू का बीज बोओगे तो वो कौन सा वृक्ष वहां पर आएगा बताओ। अगर आम की गुठली बोओगे तो वहां पर कौन सा वृक्ष होगा। केले का, बैठ जाओ बैठ। इसलिए अगर आप केले का बीज बोओगे तो कौन सा वृक्ष आएगा। अगर नीम का बीज बोओगे तो कौन सा वृक्ष होगा। हाँ देखो ये चीज को समझो, ये यहाँ पर कह रहे हैं वो स्वयं था धर्म, वो ये कह रहा था कभी किसी को बुराई मत किया करो, कभी किसकी चुगली मत करो, हमने जैसे कर्म किया है वो कर्म के अनुरूप हम फल भोग कर रहे हैं, इसलिए कभी किसको पर दोष नहीं लगानी चाहिए, किसको कभी चुगली मत किया करो। तब उन्होंने बताया देखो अगर कोई किसकी चुगली करता है ना, उसका सारे पाप आपको भोगना पड़ेगा। तब एक सुंदर स्टोरी सुना हम लोग। बोले एक समय कोई एक संत किसी राज दरबार में भिक्षा लेने के लिए गया, वो राजा बड़े क्रोधित होकर बोले काम करके खा नहीं पाते हो, भीख मांगने के लिए आ गए। उसने घोड़े का जो लीड उसने झोली में डाल दिया, लेकिन वो संत है
वो वापस चला आया। एक दिन राजा जंगल में भ्रमण करते करते उन्होंने पहुंचा उसी संतों के घर में जिस संतों को उन्होंने घोड़े का लीड दिया था। उसने देखा पर्वत आकार में ये घोड़े का लीड है। बोले भैया इतने घोड़े का लीड कहां से आ गया? देखा वही संत बैठ करके भगवान के भजन कर रहे। बोले बाबा ये घोड़े का लीड कहां से आ गया? बोले महाराज आपको याद होगा कभी मैंने आपका घर में भिक्षा मांगने गया था, आपने क्या दिया था मुझको? याद करो। बोले घोड़े का लीड दिया था। बोले कब? शुद्ध संतों को जो चीज देते हो वो कभी घटती नहीं है, वो बढ़ती रहती है। ये बढ़ती रहती है। कैसे बढ़ती है? उदाहरण दिया राम का बाण जैसे। अगर राम जब अपना तीर को स्पर्श करते हैं ना वो एक गुना होता है, जब उसको निकालते हैं होता है 100, जब चढ़ाते हैं 1000, जब खींचते हैं और लाख, जब हाँ छोड़ते हैं वो करोड़ गुण बन करके जब प्रहार करता है वो प्राण को ले लेता है। उसी तरह जब कोई चीज शुद्ध साधु को जब दोगे, जब वो ठाकुर को सेवा में लगाएंगे ना, वो चीज कभी घटती नहीं, वो कभी बढ़ती है। ये लीड आपने मेरे को दिया है ना, ये बढ़ते 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 इतना बड़ा रूप धारण करेगा, तेरे राज्य में घोड़े का लीड के सिवाय कुछ नहीं रह जाएगा। वो तो दुखी दुखी हो गया, उनकी चरण में गिर पड़े। बोले बाबा आप बचाओ, अभी क्या होगा, मेरी गलती हो गई, बताओ क्या होगा, मेरी अपराध को माफ कर दो। संत बड़े दयालु होते हैं। बोले एक काम करियो, अगर तुम्हारी कोई चुगली करे ना फिर तो तेरे अपराध माफ हो सकता है। बोले चुगली करेंगे कैसे? बोले तुम्हारे घर में एक बेटी है ना शादी के लायक। बोले हाँ। बोले तुम वो बेटी को साथ में तुम्हारी जो बगीचा में एक कुटिया बना करके उसको साथ में रहा करो, देखना तुम्हारे राज्य में हर प्रजा तेरे चुगली करना शुरू करेंगे। जब चुगली करेंगे फिर तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएगा। उसने जब ऐसे किया ना पूरा राज्य राज्य में घर घर में चुगली होने लग गया। बोले सुना है राजा क्या कर रहा है? अपना युवती लड़की को लेकर के अकेले वो कुटिया में रहता है, घर घर में चुगली, दुष्ट राजा, बदमाश दुष्ट है। कुछ दिन बाद में फिर राजा संतों का आश्रम पर गए, देखा सारे को साथ खत्म हो गया, लेकिन एक टोकरी अभी बाकी है। बोले बाबा एक टोकरी बाकी कैसे रह गई? बोले तेरे राज्य में सबके सब तो चुगली कर रहे हैं, लेकिन एक माता जी है जो कभी किसी की चुगली नहीं करती है। दिन भर माला लेकर के एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। एक बार जोर करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। केवल प्रभु का भजन करती है। अगर वो तुम्हारी थोड़ी चुगली कर दे ना फिर ये टोकरी जो बच्चा हुआ खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं तो तेरे को खाना पड़ेगा तभी खत्म होगी। उसने राजा ने अपना ड्रेस बदला करके एकदम दीनहीन बन करके वो माता जी के घर में पहुंचे। देखा सचमुच से माता जी हाथ में माला लेकर के भक्ति कर रही थी और आंखों से आंसू की झरी बह रही थी। ये राजा वहां पहुंच करके वो ये चाह रहा था कि जैसे मेरी थोड़ी चुगली कर दे, चुगली करेंगे तो टोकरी खत्म हो जाएगी। जब राजा ने जा करके बोला माता जी तुमने सुना है वो राजा क्या कर रहा है? राजा खुद बोल रहा है वो राजा क्या कर रहा है, वो ये सोच रहा था वो चुगली करेगी। इतना बोलते ही वो माता जी तो भड़क गई। अरे दुष्ट राजा, मैं अपना भजन प्रताप से सब कुछ जानती हूँ, तुम वही राजा हो जब संत तेरे दरबार में आया था उसको तुमने भिक्षा रूप में किया दिया था, तुमने घोड़े का लीड दिया था ना, एक टोकरी जो बच्चा हुआ तेरे को खाना पड़ेगा। राजा तो डर के मारे वहां से भाग गए। हाँ, इसका मतलब है हमारे श्री चैतन्य चैतन्यमृत में श्री महाप्रभु कहते हैं, बोले काहरे न कारे निंदा, कृष्ण कृष्ण बोले अजय चैतन्य सही तारीफ कहले। मतलब है भगवान को सबसे जल्दी से जल्दी कौन पा सकता है,
बोले वही पा सकता है जो कभी किसकी चुगली नहीं करता है, किसकी कभी चुगली नहीं करता है। आप जिसको चुगली करोगे ना, उसका जितने सारे पाप आपको ऊपर में आ जाएगी। इसलिए अभी श्री परीक्षित महाराज ने समझ गए ये साक्षात श्री धर्म स्वरूप है, ये साक्षात श्री धर्म स्वरूप है और ये कलयुग है। परीक्षित महाराज ने कहा देखो जब तक जगत में मैं राज्यत्व करूंगा तब तक तुम्हारी यहाँ कोई स्थान नहीं, मेरे सामने से तुम निकल जाओ नहीं तो जान से खत्म कर दूंगा। बोले कहाँ जाओ, संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर में अभी आपका राज्यत्व है, संपूर्ण पृथ्वी में। जब सत्य त्रेता द्वापर ने अपना अपना राज्यत्व की, मेरे को भी कृपा करके आप स्थान दे दो। अभी परीक्षित महाराज सोच रहे हैं कलयुग में दोष क्या और गुण क्या है। देखा कलयुग में तो दोष ही दोष है, लेकिन कलयुग में एक विशेष गुण है। बोले क्या विशेष गुण है, बोले कलयुग के बल नाम आधारा, कलयुग के बल नाम आधारा, कलयुग के बल नाम आधारा, कलयुग के बुला करो। देखो जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगत में आए सबको हरिनाम दिया और सब लोग हरिनाम करते करते सबके सब भगवान को धाम में जा रहे थे। जो एक पाप था वो बड़ा दुखी हो गया, बड़ा दुखी होकर के बोले ये सबके सब तो भगवान को धाम में जा रहे हैं, अभी भैया मेरे लिए तो कोई स्थान चाहिए। तब उसने ठाकुर जी को पास में पहुंचा, बोले प्रभु जी आप जगत में ऐसे नाम लाए हो जो तेरा नाम ले रहे हैं, कितना हो गए भवस पार लेकर नाम तेरा, हो गए भवस पार लेकर नाम तेरा, हो गए भवस पार लेकर नाम तेरा, हो गए भवस पार लेकर नाम तेरा। तेरा नाम लेकर के सबके सब भवसागर से पार हो रहा है, भैया मेरे को तो कोई स्थान दो नहीं तो जान से खत्म कर दो। देखो ठाकुर जी क्या बोले, देखो जब ठाकुर का कीर्तन नाम हो, जो व्यक्ति ताली बजाते हुए ठाकुर का नाम लेगा उसका पाप तो ऊपर उड़ जाएगी, लेकिन कहीं उसको स्थान भी तो चाहिए। बोले कहाँ स्थान, बोले जो भगवान का नाम नहीं लेगा उनका सर पर तू जाकर बैठ जाएगा। इसलिए जब हरिनाम होना जरूर ताली बजाते हुए, बोले ताली क्यों बजाते हैं। एक संत ने पूछा भैया कहीं भी भजन संध्या हो, कहीं भी जाओ हर जगह में बोलते ताली बजाओ ताली बजाओ। बोले ताली बजाने से क्या होता है, बोले ताली जो बजाता है उसको पाप तो उड़ जाती है। बोले उड़ करके बैठता तो बैठता कहाँ पर, बोले जो ताली नहीं बजाता है। इसलिए नियम है जब कीर्तन हो जरूर ताली बजाओ और जरूर मुंह से ठाकुर जी की नाम को लिया करो, ठीक है। बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल
तब उन्होंने कलि को स्थान दे दिया। बोले भैया तेरे अंदर में दोषी तो दोष है, लेकिन एक गुण है, थोड़ी सी ठाकुर का नाम कोई ले लेना, जीव को भगबंधन की नष्ट हो जाएगी। इसलिए कलि की पुण्य ने चार ही जगह पर स्थान दिया। कितने जगह पर दे दिया? वे कहां कहां पर? अभी ध्यान देकर सुनो। पहला नंबर है दुतम। दुतम मतलब है तो जुआ, कभी भी जुआ नहीं खेलनी चाहिए। इसलिए श्री युधिष्ठिर महाराज कहा, देखो मैं स्वयं धर्म स्वरूप हूं, लेकिन ये जुआ खेलकर कितने मेरी सत्यानाश हो गई है, कितने मेरी सत्यानाश हो गई, राज्य गया, भाई लोगों को खोए, फिर भरी सभा में द्रौपदी की वस्त्र हरण देखना पड़ा, फिर मेरे को 12 साल तक जंगल में भटकना पड़ा और 1 साल तक विराट राज्य में मेरे को दासत्व करना पड़ा। कहां धर्मराज सम्राट है, वो क्या करते? कंक का काम, जुआ खेलते थे। सर्वश्रेष्ठ गांडीवधारी कंक श्री कौन है? भीम। क्या करता था? बोलो जोर से बोलो। रोसैया काम करता था। सर्वश्रेष्ठ गांडीवधारी अर्जुन क्या करता था? बोलो। बृहन्नला का काम करता था। नृत्य विद्या क्या करता था? और नकुल सहदेव इतने ज्योतिष विद्या में और धनुर्विद्या में इतने प्रवीण, क्या करते थे? घोड़ा साला। देखो यहाँ शिक्षा देते हैं, खबरदार कभी जुआ मत खेला करो। ये जो शेयर कंपनी में जो काम करते हैं ना, ये भी एक तरह का जुआ है। अभी आईपीएल क्रिकेट खेल हो रहा था ना, मेरे पास में कुछ भक्त लोग, कुछ लोग आए थे, बोले बाबा मैं जिंदगी भर जितने पैसा कमाया था, मेरा बेटा एक मिनट में उसने सारे करोड़ों करोड़ रुपया को बर्बाद, अभी 6 रन रह गया केवल, अभी कौन जीतेगा, ये जीतेगा ना वो जीतेगा, उसमें उसने दाव पर सारे पैसा लगा दी और मैंने जिंदगी भर जितने पैसा मैंने कमाया था, मेरे बेटा एक मिनट में सारे पैसा खत्म, सारे पैसा खत्म कर दिया। इसलिए खबरदार कभी ये जुए फुए में हाथ मत लगाया करो, नहीं तो इतने दुर्दशा भोगना पड़ेगा। ठीक है ना? ठाकुर जी जो दिए उसमें संतुष्ट में रहो और भगवान की भक्ति करते रहो। दूसरा नंबर है पानम। पानम का मतलब होता है किसी तरह का नस्ली वस्तु मत लिया करो। नस्ली वस्तु में इधर सुना, ध्यान दे करके, नस्ली वस्तु में जैसे पान, बीड़ी, सिगरेट, अफीम, गांजा, भांग, शराब, गुटका, फुटका कभी नहीं लेनी चाहिए। हम कहते हैं ना शराब नहीं पीनी चाहिए। शराब पीने से कितना लाभ होता है? जोर से बोलो, सब भूल गए हो? शराब पीने वाला का कितना लाभ होता है? कर 3 लाभ होता है, ध्यान देकर सुन लो। कितना लाभ होता है? क्या किया है? पहला नंबर, वो व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं बनेगा। दूसरा नंबर, उसके घर में चोरी नहीं होगी। तीसरा नंबर, कुत्ते उसकी दोस्त बनेंगे। मतलब क्या है? उसकी घर में वो कभी बूढ़ा नहीं बनेगा। बोले बूढ़ा कब बनेगा? जिंदा रहे तभी तो बूढ़ा बनेगा। देखो कुछ दिन पहले एक माता जी मेरे पास में हरिनाम लेने के लिए आई, दिल्ली, हमारी दिल्ली गौरियापट में। देखा मैंने उसको, साथ में 2 बच्चे हैं, मैं उनको देख करके समझ गया इसकी पति नहीं। मैंने कहा इसी बालक का पिताजी कहाँ है? बोले सर भी छोड़ दिए हैं। मैंने कहा भैया तुम्हारी उम्र तो 25-30 साल लग रहा है, इतने जल्दी तो कैसे विधवा हो गई? देखो कहती है वो ज्यादा पीते थे। वो क्या करते? ज्यादा वो पीते थे। बोले पी पी करके लास्ट में पता चला इनका लीवर फाफड़ सब गला, कोई बचने का कोई सवाल नहीं था। इसलिए भैया अगर जिंदा रहना चाहते हो, इसलिए खबरदार ये चीज कभी पीना नहीं, ये चीज को कभी पीना नहीं। अगर घर में कोई पीने वाले होते हो गए ना, उनको सावधान कराओ। हाँ सावधान कराओ, कभी शराब में हाथ नहीं लगाए गए। देखो जो पुरुष लोग है, माता तो पीती नहीं, क्या माताएं पीती है? अभी तो पीना सब शुरू कर दिए। हाँ जो कॉलेज में पढ़ते हैं, हाँ इसलिए देखो, इसलिए जो भाई लोग है, देखो सावधान से सुनो, मैं जो काम करूंगा बच्चा मेरे से वही सीखेगा, बच्चा तो वही सीखेगा ना। इसलिए पुरुष लोगों को ऐसे कोई काम नहीं करनी चाहिए जो कि तुम्हारी बच्चे के ऊपर बुरे असर पड़े, क्योंकि बच्चा जो देखेगा तो वही तो करेगा ना। इसलिए कभी भी ये शराब पे हाथ नहीं लगानी चाहिए, हैं? इसलिए किसी तरह का नस्ली वस्तु मत लिया करो।
और इसको लेने से कभी तपस्या नष्ट हो जाती है। तीसरी चीज है स्त्रियम, ये कली का निवास है स्त्रियों के ऊपर में। बोले भैया कौन सा स्त्रियों के ऊपर में कली का निवास है? बोले उन स्त्रियों के ऊपर में जो अवैध रूप में स्त्री पुरुष का संग और पुरुष जो स्त्री संग करते हैं, संसार करो शादी करके धर्म को साथ में अपना पति को साथ में गृहस्थ बनाओ, ऐसे नहीं शादी नहीं किया और बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनाकर घूम रहे हो। इसलिए शास्त्र मना करता है जो ये सब काम करेगा ना, भागवत में बड़ा दंड उनको बताया, घोर दंड वहां पर बताए। संसार करो शादी करके पति पत्नी धर्म पूर्वक अपना घर गृहस्थी बनाओ। ये डाइवोर्स क्यों होता है बताओ? जो लड़का बहुत सारी लड़की को साथ में घूम करके आएगा, जो लड़की बहुत सारे लड़कों को साथ में घूम करके आएगी, उसको गृहस्थ कभी बैठ सकती है? अब बताओ, घर गृहस्थी कर सकते हो व्यक्ति कभी? वो कर ही नहीं सकते है। इसलिए संसार करो धर्म पूर्वक, संसार करो और आनंद में जीवन बिताओ, यहाँ पर पवित्रता की नष्ट होती है। तीसरा है जीव हिंसा। जीव हिंसा में मांस नहीं खानी चाहिए, मछली नहीं खानी चाहिए, ये सफेद आलू ये अंडा भी नहीं खानी चाहिए। इसलिए इसका नाम मांस। मांस मतलब क्या? मांग मतलब होता है मुझको, सह मतलब होता है वह, अभी हम जिसको खा रहे हैं बाद में हमें जो खाएगा। इसलिए अंग्रेजी में कहते मीट, मीट मतलब क्या? मी ईट बा ईट मी, मी ईट मीट है ना, मी ईट और ईट मी, और तुम जिसको अभी खा रहे हो बाद में फिर जो तुमको फिर खाएगा, इसलिए उसका नाम मीट है। हैं अंडा अभी धीरे 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 अंडा कोई नहीं बेचता था, अभी अंडा भी बेचना शुरू हो गया। देखो आप लोगों ने महाभारत सुने होंगे, जब गांधारी की 100 बेटे मारे गए, ये धृतराष्ट्र गांधारी दोनों कृष्ण के पास में गए। बोले कृष्ण ये बताओ हमने ऐसे कौन सा कर्म किया जो कि 100 के 100 बेटे मृत्यु देखना पड़ा? एक बेटा मर जाए ना मैया की छाती फट जाती है, 100 बेटे क्यों मृत्यु क्यों देखना पड़ा? भगवान पूर्व जन्म की कथा सुनाए। बोले पूर्व जन्म में तुम जंगल में भ्रमण करने गया था, बड़ी तुम्हें भूख लग रहा था, एक पेड़ को नीचे तू बैठ गया, देखा उसी पेड़ के ऊपर में चिड़िया की घोंसला थी और पेड़ के ऊपर चढ़ करके तुमने 100 अंडे खाए और एक एक अंडा में एक एक बच्चा होता है, तू 100 अंडे नहीं तुमने 100 बच्चों को तुमने खाया है, इसलिए इसी जीवन में 100 बेटों का तुम्हें मृत्यु देखना पड़ा। ये कृष्ण खुद कहते, इसलिए ये सब गंदी चीजों से दूर रहनी चाहिए। और चौथा चीज है प्याज और लहसुन, ये गैया के मांस और हड्डी से इसकी सृष्टि है, ये ठाकुर की किसी सेवा में नहीं लगती है। आप लोग नवरात्रि रखते हो? कौन कौन नवरात्रि रखते हो? देखना 9 दिन तक ये प्याज लहसुन कोई खाते हो क्या? नहीं खाते। बोले क्यों? बोले माता जी को पसंद नहीं। क्या मैया को 9 दिन के लिए खुश रखो, उसको बाद में खा करके फिर नाराज कर दोगे? इसलिए जो चीज माता जी को पसंद नहीं हमें भी पसंद नहीं आनी चाहिए। कल इसकी कथा हम सुनेंगे, ये प्याज लहसुन क्यों नहीं खानी चाहिए। इसलिए भगवान को शुद्ध रूप में भोग लगाओ, प्रसाद रूप में हर चीज को ग्रहण करो। जब उन्होंने 4 जगह पर स्थान दिया ना, तभी ये कली खुश नहीं हुआ। बोले मैं कहाँ कहाँ घूमते रहूं, मेरे को ऐसे एक स्थान दे दो जो 4 चीज मिल जाएगा। फिर उन्होंने सुवर्ण में, ये पैसा में सुवर्ण में स्थान दे दिया। बोले भैया सुवर्ण तो लक्ष्मी है, सुवर्ण क्या है? सोना लक्ष्मी है ना, पर लक्ष्मी में ये कली की निवास कैसे हो गई? हाँ देखो लक्ष्मी की वाहन कौन बताओ तो जोर से बोलो, लक्ष्मी की वाहन कौन है? उल्लू। मतलब घर में जब लक्ष्मी आती है ना, वो उल्लू को ऊपर बैठ करके आती है और हमें ये उल्लू बनाती है, ये उल्लू बनाती है। लेकिन लक्ष्मी की और एक वाहन है, कौन है? जोर से बोला, गरुड़। लेकिन आप देखना उल्लू के ऊपर में लक्ष्मी अकेली बैठती है, लेकिन गरुड़ के ऊपर में कभी लक्ष्मी को अकेले बैठते हुए नहीं देखोगे, वो नारायण को साथ में बैठती है। बोले इसका तात्पर्य क्या है? देखो पैसा के बगैर कुछ नहीं होता है, पैसा के बगैर कुछ नहीं होता है, इसलिए दुनिया लक्ष्मी की कृपा चाहती है। लेकिन लक्ष्मी को कभी अकेले मत बुलाया करो। अगर लक्ष्मी को बोलोगे माँ लक्ष्मी घर में आओ, बोले क्यों? बोले तुम्हें हम भोग करेंगे।
तुम्हें हमें भोग करेंगे। फिर लक्ष्मी उल्लू के ऊपर बैठ करके आती है, उल्लू के ऊपर बैठ करके आती है। लक्ष्मी को मांगो, लक्ष्मी आओ, क्यों? आप तो नारायण की है, लक्ष्मी किसकी है? ये तुम्हारी नहीं। ये चीज को अच्छे तरह से ध्यान रखो, लक्ष्मी नारायण की है। अगर ठाकुर जी की सेवा के लिए बुलाओगे ना, पैसा नहीं होगा ठाकुर को सेवा कैसे करेंगे? अगर नारायण को, ठाकुर को सेवा के लिए बुलाओगे तो लक्ष्मी गरुड़ को ऊपर बैठ करके आएगी। गरुड़ कहाँ रहते हैं? वैकुंठ में रहते हैं। फिर तो तुम्हारी घर नहीं, घर को माँ लक्ष्मी वैकुंठ बना देगी, गोलक वृंदावन बना देगी। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जोर से बोलो, बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। हाँ देखो, हमारे बीच में एक बच्चा है, माइक को ठीक कर दो। तो एक बच्चा है, अब ये थोड़ी सी कथा सुनाएगा। और देखो, कल है भागवत में सबसे बड़ा महोत्सव है, बताओ तो कल क्या है? जोर से बोला, हाँ कल भगवान कन्हैया जन्म लेने वाले, ठाकुर जी जन्म होंगे। इसलिए कहते ना, नंद के आनंद भयो। हाँ, कल यहाँ पर भगवान कृष्ण जन्म ग्रहण करने वाले ठाकुर जी, जब मैया जसोदा गर्भ धारण की, जितने ब्रज की गोपियां थी, छह महीना पहले 84 गज के लहंगे लिया और चुंदरी बना करके रखे, और जितने पुरुष लोग थे ना, बगल बंदी धोती पगड़ी बना करके रखे। बोले नंद के जब लाला है वो, हम सब पहनी करके लाला को बधाई देने जाएंगी। इसलिए कल जितने माताएं हैं, कौन सा रंग के साड़ी पहन करके आओगी? पीली रंग की, ठीक है ना? अगर नहीं हो तो किसे उधार करके पहनना, लेकिन रंग कौन सा पहना है? पीली। ऐसे बात नहीं, अगर पीली रंग हो तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं हो तो ना, जो बढ़िया साड़ी होगा उसको पहन करके आना। और एकदम श्रृंगार करके, सब धज करके, जैसे शादी में जाते हैं ना, क्यों कल भगवान ठाकुर जी आ रहे हैं ना, भगवान आ रहे हैं, जैसे शादी में सब धज करके जाते हो, कल सब धज करके सबके सब गोपियों की भाव से आना। क्योंकि ठाकुर जी केवल प्रेम की भूखे हैं, ठाकुर जी केवल प्रेम की भूखे ठाकुर, और किसी चीज की नहीं। इसलिए कल सब धज करके गोपी भाव को लेकर के सबके सब आना। कल यहाँ पर बड़े सुंदर से कृष्ण का जन्म महोत्सव मनाएंगे, और आप लोग खाली हाथ में नहीं आना है। जैसे बच्चे का बर्थडे होता है ना, हम क्या क्या करते हैं, इसलिए टफी बिस्कुट फल कुछ भी हो, खिलौना है, कल हम उस चीज को लुटाएंगे, वो आप लोगों को ही मिलेगा। इसलिए आप लोग श्रद्धा करके आना। और जितने हमारे भाई लोग है ना, माताएं तो साड़ी पहन करके आएंगी, हम लोग क्या पहन करके आओगे? हाँ, कोशिश करना, अगर धोती कुर्ता हो उसको पहन करके आना, धोती कुर्ता को पहन करके आना। अगर धोती बहुत अच्छी बात है, कुर्ता अगर अच्छी बात, अगर ये भी नहीं हो, कम से कम सफेद रख के हाँ, कोई कपड़ा जैसे कुर्ता पैजामा पहन करके आना, सुंदर सुंदर कपड़ा पहन करके। भगवान की कल जन्मतिथि है, कल यहाँ पर जोर हाँ, अच्छे तरह से ठाकुर की जन्म महोत्सव मनाएंगे। बोले श्री नंद के लाला की जय, बोले श्री कृष्ण के कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राम। अभी हमारे प्रभु जी आपको थोड़ी सी कथा सुनाएंगे, फिर ठाकुर जी की आरती होगी, फिर प्रसाद लेकर देना। हाँ देखो, ये जो बच्चा है, ये ऐसे मत समझो, ये सब अच्छे लिखे पढ़े, बताओ तो तुमने क्या पढ़े हो? बोलो माइक लेकर बोलो। हाँ हरियाणा के सेकंड बेस्ट कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग किया। लेकिन ये सब करते हैं भी ना, देखो गले में करती है, तिलक लगाते हैं, भजन करते हैं, लेकिन हमारे बच्चे अगर थोड़ी सी लिखाई पढ़ाई सीख गया ना, बोले बाबा रे, तिलक कैसे धारण करे, गले में कंठी कैसे पहन लिए, हैं कैसे प्रभु की भजन कैसे कर लिए, कभी तो अभिमान आ जाता है, हैं अभिमान नहीं। भगवान की भक्ति के लिए कोई लाज शर्म नहीं करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। श्री गुरु गौरांग जयत जयत जय गौर। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकाय
अक्षरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णे तुच्छै स्फुरित रसनो नाम गणना कृतग्रंथी श्रेणी सुभग कटि सूत्रोज्ज्वल करह विशालाक्ष दीर्घार गल युगल खेलांचित भुजौ सचैतन्य किं मे पुनरपि दृश्यो रास्ति पदम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते गौरांगी मृदिमास्मिते मधुरिमा नेत्रांचले द्राघिमा वक्षोजे गरिमा तथेव तन्मा मध्ये गतुर्मन्दिमा शोण्यां च प्रतिमा भुवो कुटिलिमा बिंबाधरे शोणिमा श्री राधे हृदि ते रसेन जडिमा ध्यानेस्तु मे गोचरा तमद्भुतं बालक मम्बुजे क्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुतायुतं श्रीवत्स लक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीतांबरं सांबपयोदिशोभनम् आपदां परहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। हरे कृष्णा। भक्तवांछा कल्पतरु कृपा सिंधु दीन बंधु पतित पावन प्रियतम परमेश्वर अखिल गुणगण निलय अकारण करुणा वरुणालय निखिल हेय प्रतिनीक भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा और करुणा से मानव जीवन का उत्कृष्टोत्कृष्ट फल सत्संग आज हम लोगों को श्री महाराज जी के चरणारविंदों में बैठ करके प्राप्त हो रहा है। मैं सबसे पहले व्यासासन पर प्रस्तुत व्यासासन पर उपस्थित मेरे पूज्यपाद परमारत सद्गुरुदेव के चरण कमल में बार बार प्रणिपात करता हूँ। उसके बाद परमारत परम गुरुदेव पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्री पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के चरणारविंदों में प्रणिपात करता हूँ एवं उनसे अहितु की वांछा की बारंबार कृपा की याचना करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव समस्त वैष्णविया जिनके ऊपर आज ब्रह्मा जी और समस्त देवता जिनकी सराहना करते हुए नहीं थक रहे हैं क्योंकि भगवान की दिव्यादि दिव्य मधुरादि मधुर कथा को श्रवण करने का सत्सौभाग्य आप सभी को प्राप्त हो रहा है। आप सभी के हृदय में केली करते हुए श्री बाल मुकुंद लाल को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। हमारा बड़ा सौभाग्य है। सबसे पहले तो मैं बड़ौत वासियों जो बड़ौत वासी है उन सबको बार 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 प्रणाम करता हूँ। मैं पहली बार बड़ौत आया हूँ। विगत वर्षों से सुना था कि श्री महाराज जी अपनी दिव्य सरस्वाणी को यहाँ पर प्रसाद स्वरूप बिखेर रहे हैं। इस बार श्री गुरुदेव ने महती कृपा करके मुझको यहाँ पर उपस्थित होने का आदेश दिया सो मैं उपस्थित हो गया हूँ। और भगवान के विषय में श्री महाराज जी के आदेशानुसार आपको उनकी दिव्य सरस लीला के कुछ मंगलमय प्रसंगों का आस्वादन कराने की चेष्टा कर रहा हूँ। भैया हमारा बहुत 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 बड़ा सौभाग्य है कि आज संत हमारे ये एक तरीके से आप सब बड़ौत वासियों का घर है। यह पंडाल नहीं है यह भगवान भुवन भास्कर जो सूर्य है उनको भी आभा देने वाले श्री राधा मुरली धरो ब्रज सखे वृंदावनम मात्यजात श्री भगवान मधुसूदन की दिव्य भूमि ही आपका असली घर है। और जब संत हमारे घर में प्रवेश करते हैं
तो उसका सौभाग्य अति दुर्लभ होता है, अति महत्व होता है, बहुत सत सौभाग्य प्राप्त हो रहा है आपको। कबीर जी कहते हैं ना, मेरे मन में तो यो ही बड़ो चाव, संतन को देखूं आव तो, अरे बड़े भाग से संत पधारे उठकर करूं प्रणाम, सेवा करूं भाग मेरी जागे, घर ही में आ गए चारों धाम, संतन को देखूं आव तो, मेरे मन में तो यो ही बड़ो चाव, संतन को देखूं आव तो। हमारे घर पे संत पधारे हैं, श्री महाराज जी पधारे हैं। अब थोड़ा प्रसंग की ओर चलते हैं। पहले कुछ विशेषानुभाग, विशेष अनुकंपा से कुछ व्याख्या करने की चेष्टा करूंगा। देखो भगवान जैसे पर्वतों से नदी का आविर्भाव होता है, प्रस्तुतीकरण होता है, इधर से भी शिलान्यास करती हुई नदी आ रही है, झरना आ रहा है, वेग से आ रही है, इधर से भी प्रस्तुत हो रही है, उस तरफ से भी समस्त दिशाओं से आविर्भूत हो रही है, पर काय को समुद्र में मिल जाने को। ऐसे ही भगवान के समस्त गुण जो है, जो भी गुण आपको प्रिय लगे, चाहे भगवान का माधुर्य हो, चाहे सौशील्य हो, चाहे भगवान का रसास्वादन स्वरूप हो, चाहे और कोई भगवान का दिव्य गुण हो, चाहे कृपा का गुण हो, चाहे आशीष का गुण हो, चाहे भगवान का भक्तवांछा कल्पतरू का गुण हो, वो समस्त गुण काय के लिए है, भगवान की शरण में जाने के लिए, श्री भगवान की शरण में जाने के लिए। जब द्रौपदी का वस्त्रारण हो रहा था, वस्त्र को दुशासन खींच रहा था, उसकी भौहें टेढ़ी हो गई थी और अपने दोनों हाथों से द्रौपदी की साड़ी का एक छोर पकड़ लिया था और पकड़ते पकड़ते जब खींच रहा था, खींचते खींचते दुर्योधन, दुशासन और कर्ण इत्यादि बहुत ठहाका लगा के हंस रहे थे, अपने अहंकार में, अहंकार के मद में मदोन्मत्त हो गए थे, और एक तरफ पांडवों की दशा भयावह हो गई थी। उसी समय जब द्रौपदी परमारब्ध श्री कृष्ण की शरण में गई, तो भगवान करुणा वरुणालय ने अपने पीतांबर को अपने कंधे से हटाया और फेंक दिया, और फेंकते ही वो पीतांबर अविरल भाव से वेग से बहुत बड़ा हो गया और द्रौपदी की कमर में लटक गया और दुशासन खींच रहा था। श्री कृष्ण देख रहे थे और भीष्म पितामह को दर्शन हो रहा था। भीष्म पितामह भी देख करके सोच रहे थे, अरे मूर्ख क्या कर रहा है, जिनके उदर में ब्रह्मांड बस रहा है, जो साक्षात हिरण्यगर्भ है, क्या उनके पीतांबर का छोर पाने के लिए पकड़ रहा है। ये भगवान का दिव्य अविरल भाव है, ये भगवान अपनी करुणा वरुणालय स्वरूप से आच्छादित करते हुए दिव्य संतों को आनंदित करते हैं। अभी मैं आ रहा था बड़ौत की बस में, दिल्ली से बैठा और दिल्ली से बैठ करके बड़ौत की बस में, तो रास्ते में भगवत कृपा से आधे घंटे बाद सीट मिल गई थी बस में, वरना तो धक्का बेल ही हो रही थी। तो बैठ करके एक साइड में मेरे बिल्कुल पास में एक भैया बैठा और मेरे मस्तक पर तिलक देख करके उसने कहा, पूजा पाठ वाले लगते हो? मैंने कहा नहीं। तो पूजा पाठ वाले नहीं हो तो ये काय को लगा रखा है? मैंने कहा ये गुरुदेव का आदेश है कि कभी ना कभी श्री गोविंद रीझ जाएंगे और अपने द्वारा प्रस्तुत हुए दिव्य तिलक को जब मस्तक पर देखेंगे तो कभी तो मन में द्रवह दीन दयाल राघव साधु संपत संगत पाइए प्रभु, कभी तो रीझ करके अंगीकार करेंगे। उन्होंने कहा तो फिर काय को? मैंने कहा गुरुदेव का आदेश है। अच्छा, तुम
पूजा पाठ वालों में कुछ गड़बड़ी है। मैंने कहा बता भाई क्या गड़बड़ी है। उसने कहा देखो तुम्हारे तुम काय को भगवान मानते हो, किसको भगवान मान रहे हो? राम को, वो राम उसकी बात कर रहे हो ना, सीता जी को, तो जो अपनी पत्नी को ही छोड़ दिया उसने, वो भगवान काय का भगवान है, पत्नी को छोड़ दिया। अरे पत्नी का क्या दोष था? मैंने कहा भैया मन में सोचा कि इस बार के सत्र में कहने तो कुछ और जा रहा था, पर भगवत कृपा से वाल्मीकि का स्मरण हो गया, तो सोचा आज यहाँ पर वाल्मीकि की दिव्य लीलाओं, वाल्मीकि रामायण से कुछ पन्नों पर भगवान के दिव्य श्लोक को उठा करके आपके सामने बिखेरता चला। दरअसल देखिए ये ऊपर ऊपर का भाव देख करके हम लोग समझ जाते हैं कि रघुपुंगव का दोष है, पर भगवान समस्त दोषों से रहित हैं। भगवान में कोई दोष दोष से भी नहीं प्रस्तुत हो सकता है। भगवान ने कहा, भगवान ने सोचा देखो जब कोई महिला गर्भावस्था में होती है, उसके पेट में शिशु होता है, तो वो द्विमना हो जाती है, उसके दो मन हो जाते हैं। दो मन यानी एक मन उसका और एक मन उसके गर्भ में प्रस्तुत शिशु का। जब शिशु और उसका जो गर्भावस्था में है, माता और शिशु का जब दो मन हो जाते हैं, तो उस समय हर एक व्यक्ति का यह कर्तव्य बनता है कि उसके मन की बात पूछी जाए। क्या उसको कुछ खाने की इच्छा कर रही है? क्या उसको कुछ धर्म का कुछ क्रिया करनी है? क्या उसको दान करना है? क्या उसको कुछ सुनना है? क्या उसको भगवत लीला सुननी है? इधर उधर का नहीं, केवल कल्याण तक ले जाने का साधन उससे पूछना है। सीता जी ने कहा भगवान से, कहा स्वामी मेरी इच्छा है। उन्होंने राम जी ने कहा बताइए, आप ये मत सोचिए कि मैं अपने मन से ही कह रहा हूं। आप पद्म पुराण को जब उठा करके देखेंगे, उसमें पाताल खंड देखिएगा, उसमें जो मैं आपको वृतांत सुना रहा हूं, ये मिलेगा। वहां पे भगवान से जानकी जी ने कहा कि प्रभु मेरी इच्छा है आपसे कि मेरे गर्भ में जो शिशु है, मैं चाहती हूं समस्त गुणों में वे आप जैसे नहीं, आपसे 21 होवे। मैं चाहती हूं कि जब कोई भी इन शिशुओं को निहारे, तो ऐसा प्रतीत होवे कि ये उन्हीं के छाया, ये उन्हीं के ओजस तेज हैं, जिन्होंने अपनी करुणा वरुणालय की दिव्य प्रतिभा को पूरे दिव्य भूषण समस्त राज्यों में बिखेरा है, जिनकी कृपा का गायन बड़े बड़े देवऋषि मनीषी, बड़े बड़े शुक सनकादिक नारद भृगु अंगिरा मेधातिथि देवऋषि चमन अजित पिप्पलायन भरद्वाज वृष्टनेमी, बड़े बड़े अन्य प्रकार के ब्रह्मऋषि राजऋषि वेदऋषि मनीषी ये जब करते हैं। उन्होंने कहा ठीक है सीता, दूसरा भाव इस कारण से वे वन को गई है, पहला कारण। दूसरा कारण है, जानकी जी ने कहा कि प्रभु जो सरस रामायण का दिव्य भाव उदय वाल्मीकि के द्वारा हो रहा है, वो सरस रामायण को सुनने के लिए क्या अयोध्यावासी अधिकारी नहीं है? क्या अयोध्यावासी नहीं चाहेंगे आपके दिव्य प्रभाव को जानने की, आपकी लीला को सुनने की इच्छा उनकी नहीं कर रही होगी? इस कारण से और उन्होंने कहा कि वाल्मीकि रामायण जो महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है, वो जब प्रस्तुत होगी तो मेरी नखमणि चंद्रिका के दिव्य छटा से उद्भव तेज से ही व्यक्ति को समझ में आवेगी। इस कारण से सीता जी गई है, इस कारण से जानकी जी वन में गई है। देखिए ये वो जानकी जी है कि जब इंद्र भी चला जावे, इंद्रलोक में भी एक बार उनके नाम की प्रतीति होवे, तो इंद्र भी अपना आधा आसन छोड़ करके खड़ा हो जाता है। कुंभकर्ण गया
रावण को कहा कुंभकर्ण ने, तू जानता है तू क्या कर रहा है, तू जानता है वह कौन है, तूने साक्षात जगदम्बा का हरण कर लिया है। कुंभकर्ण, रावण ने कहा कुंभकर्ण से, जानामि सीताम जनक प्रसूति, जानामि रामम मधुसूदनोपि, अरे इतना तो छोड़, वधम च जानामि निजम दशास्यो तथापि सीताम न समर्पयामि, मैं जानता हूं, जानामि सीताम जनक प्रसूति, ये वे जनक नंदिनी है कि जब ये चलती है तो इनके दिव्य नूपुरों में साक्षात सरस्वती की वीणा के स्वर प्रतिपादित करते हैं। ये वे सीता जी हैं कि जब कटी किंकड़ी कुरन करती हुई हाव भावों को प्रकट करती हुई दिव्य आभा से चलती हैं, तो बड़ी बड़ी ऊपर से बड़ी बड़ी रमा उमा बड़ी बड़ी ब्रह्माणी ये सभी हाथ में राई नॉन उतार राई नॉन लेकर के श्री जानकी जी के ऊपर वार करके फेंक देती है कि इनकी दिव्य आभा की किसी को नजर ना लग जाए। ये वे जानकी जी हैं, जानामि सीताम जनक प्रसूति, जानामि रामम मधुसूदनोपि, ये वो राम है जिन्होंने मुझसे भी 1000 गुना बल वाले मधु नाम के दैत्य का संहार कर दिया। और इधर आ कुंभकर्ण, एक राज की बात तुझे बता दूं, वधम च जानामि निजम दशास्यो, अरे सुन ले, मेरा वध भी नीके याथे होना है, पर फिर भी तथापि सीताम न समर्पयामि, फिर भी सीता जी को तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। हम लोगों का देखो, आजकल महाराज जी ने यह बहुत फोर्स कर रखा है कि बच्चों को कथा में लावे, बच्चों को सुनावे, बच्चे सुनेंगे, बच्चों को कथा में लावे, पर कहीं ना कहीं ऐसा है कि बच्चों से ज्यादा उनकी महतारी जो है, मैया जो है, उनको इन सत्संग की आवश्यकता है। आजकल जो बच्चे हैं वे सब चंचल हैं, चंचल बच्चों को मान लो कथा का आस्वादन करा दिया जाएगा तो उसके बाद भी यदि कोई ना कोई और ज्यादा डिप्लोमेटिक और ज्यादा कोई बढ़िया चीज उनके हाथ में दे दी जाएगी, जैसे आजकल फोन है, तो हो सकता है वह कथा को स्मरण करे ना करे, हो ना हो, लेकिन यदि मैया बाबा के कर्ण कर्ण पुटों में श्री कृष्ण लीला को प्रकट कर दिया जाएगा ना, तो वो कान पकड़ के बच्चों को कुछ भी कर लो, केवल और केवल हरिनाम के चरणों में तो ले ही जाएंगे, केवल हरिनाम तो करा ही देंगे। इसलिए बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वे ऑफ एटीट्यूड चेंज करने की नहीं होनी चाहिए ज्यादा, जितना उनके मैया बाबा में होनी चाहिए। इसलिए आप सभी का जोर होना चाहिए अपने बच्चों में, उनको फोर्सफुली भी कराओ, उनको गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून इवनिंग ये सब शिफ्टों में जो विशेष करते हो उसकी जगह हरे कृष्णा या राधे श्याम इत्यादि करना एक बार सिखाओ तो सही। इतना भी सीख जाएंगे तो क्या पता किसी ना किसी मंदिर के आलय में बैठे हुए त्रिभंग ललित श्री बाल मुकुंद नीच जावे और राधे श्याम बोलते ही उनकी वंशी ध्वनि करते हुए मोर पंख चटकारे मारते हुए अपने बाहों में कब ले ले कुछ पता नहीं। ये भगवान का दिव्य, भगवान की भी तो कुछ करुणा है, बच्चों का हृदय बड़ा माधुर्यजनक होता है। ये वह लवकुश हैं जिन्होंने, आपने सुना होगा, ये ऐसे पराक्रमी बने कि श्री हनुमान जी को इन्होंने गले में रस्सा बांध करके खींच करके सीता जी के पास ले गए, वाल्मीकि जी का दर्शन करो, और हनुमान जी के साथ साथ सुग्रीव जी को भी उनके गले में रस्सा पकड़ के ले गए कि दो सुंदर सुंदर बंदर है, मैया देख करके उत्साहित होगी कि ये बंदर आ गए। वो हनुमान जी जिनके लिए, जिनके बल की तो क्या कही जाए, सब जानते हैं, को जान ही नहीं विदित बल तुम्हारो, कौन नहीं जानता हनुमान जी का बल, जठर से लगी जन्म से लगी जठर की ज्वाल, गगन में मारी एक छलांग, ग्रसे रवि बाल समझ फल लाल।
श्री हनुमान जी को आशीष दे रहे हैं कि निहार लेन दोनों छवियों को, ये और को किसी का उपक्रम हो ना हो, ये सीता जी की, सीता जी के मनोरथ का उपक्रम है। सीता जी चाहती थी कि मेरे शिशु ऐसे बने जिनकी दिग्दिगंतर तक गौरव गाथा गाई जाए। ऐसे ही आप सभी के, आप सभी को सोचना है कि हमारे शिशु ऐसे बने कि गौरव गाथा तो चलो कोई बात नहीं, दूर की बात है, कि कम से कम उनकी वाणी प्रभु के करणों में तो पड़ जाए, प्रभु तक पहुंच तो जाए। और ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की है, आप सब मैयाओं की है। अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए। देखिए, हर एक व्यक्ति में एक गुण होता है। कोई छोटा, छोटे घर का हो, चाहे मध्यम घर का हो, चाहे उत्तमातीत उत्तम घर का हो, पर एक ना एक गुण तो श्री भगवान प्रस्फुटित करके भेजते ही भेजते हैं। आप अपने बच्चों का गुण जानिए और उस गुण को श्री कृष्ण चरणारविंद में प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त कीजिए। अरे बच्चा तो बाद में धन्य होएगा, उसके भगवान के धाम में अर्जी लगने लग गई ना तो बच्चा तो बाद में धन्य होएगा, पहले मैया धन्य होकर के राधे गोविंद करती हुई श्री भगवान के धाम में पहुंच जाएगी। ये बात शास्त्र कहता है। आप महाराज जी की बात पे आते, महाराज जी का आदेश था कि मैं कुछ तिलक और कंठी के विषय में भी बताऊं। बहुत बार अन्यत्र जगहों पर बोला है और ठाकुर जी की कृपा से लोग उन्मुख भी इससे बहुत सहमत हुए हैं और इस दिव्य महिमा को जान करके उन्होंने कंठी और तिलक को सुशोभित भी किया है और जिससे उनका कल्याण हुआ है, जिससे वे भक्ति में आगे बढ़े हैं। सबसे पहले तिलक की बताऊं कि कंठी की बताऊं, कंठी की बताऊं कि तिलक की बताऊं? पहले कंठी की बताऊं। देखिए, ये कंठी साधारण नहीं है। रास पंचाध्याय में स्वयं गोपियां कहती हैं, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहित वाले कुलै विभ्रद दृष्टः केन प्रिय च्युता। हे कल्याणी तुलसी, तुलसी जी को संबोधित किया है, कल्याणी जो कल्याण करने वाली है। सच्ची सच्ची बात तो ये है कि तुलसी जी की जो शरण में चला जाएगा ना, ठाकुर जी की तो बाद में सोचिएगा, तुलसी जी की कोई पहले शरण में चला जाएगा ना तो वो समस्त इच्छाओं को पूरी करने वाली है। जे तुमार शरण लोए तार वांछा पूर्ण होए कृपा करी तुलसी कृष्णा प्रेयसी, तुलसी कृष्णा प्रेयसी नमो नमो। ये कल्याणकारिणी है तुलसी। पहनने का ये फायदे, हर एक प्रोडक्ट पे लिखा होता है ना इसके फायदे, लेट अस सी, ये होता है ना देख, हर के तो फायदे पे ही दुनिया टिकी है, क्या क्या फायदा होगा, इससे क्या होगा, इससे क्या फायदा होगा। अब तुलसी जी की महिमा सुन लीजिए। ये तुलसी जी साधारण नहीं है। पद्म पुराण का श्लोक है, स्नान काले तु यस्यांगे दृश्यते तुलसी शुभा सर्व तीर्थेषु स्नानम भवनिधितेन न संशया। स्नान के समय ऊपर से जल जलता है ना, तुलसी यदि कंठ में है तो ऊपर से जल गलते ही नीचे जाकर के तुलसी को छू करके जब जल पूरे शरीर पर पड़ेगा तो भारतवर्ष की दिव्य पवित्र समस्त पवित्र नदियों में स्नान का फल प्राप्त हो जाएगा। यह तुलसी जी की नहीं है। तुलसी जी गले में है और अन्न का दाना खाया है तो सिद्धम सिद्धम बाज वेदी फलम उन्हें। जैसे ही अन्न का कोर लिया, मुख में डाला और दांतों से उसकी द्वेजना करी और जैसे ही जिह्वा के सहारे से वो कर्ण कंठ में प्रविष्ट, वो अन्न का कर्ण कंठ में प्रविष्ट होने को जाता है, स्वयं तुलसी जी रास्ते में प्रस्तुत हुई हुई है, धारण करी हुई है और तुलसी जी एक एक अन्न के दाने पर सौ सौ अश्वमेध यज्ञों को लुटा देती है। यह है तुलसी जी की महिमा।
जिसके गले में तुलसी नहीं है वो ड्रॉबैक्स भी तो बताऊंगा, नुकसान। जिसके गले में तुलसी नहीं है वो यद कंठे तुलसी नास्ति तेनराह मूढ़ मानसा श्रुणोति मिष्टाम समम चान्नम जलम च मदिरा समम। जिनके गले में तुलसी नहीं है ना वे मूढ़ मनुष्य हैं, उनके द्वारा छुआ हुआ अन्न स्वान विष्टा के समान है, कुत्ते की पॉटी और छुआ हुआ जल मदिरा के तुल्य है, इसलिए तुलसी अवश्य धारण करो। कंठ और तिलक, इसलिए मैं बोलता हूँ ना दो तरह के कुत्ते हैं, एक पालतू कुत्ता और एक फालतू कुत्ता है। ये जम महाराज स्वयं कहते हैं, देखो जो भगवान की भक्ति करते हैं उसको मेरे पास में मत लाया करो। तब जमदूत कहते भैया पता कैसे चलेगा ये भक्ति करता कि नहीं। जैसे वो उदाहरण देते हैं दो तरह के कुत्ते हैं, एक पालतू एक फालतू। जो पालतू कुत्ते होते हैं उनकी गले में पट्टा बंधा हुआ रहता है, देखने से पता चलता है ये किसी घर के कुत्ते हैं। और जिनकी गले में पट्टे नहीं वो कौन है, यदि ये फालतू है। आप देखना पालतू को तो कोई मारता नहीं और फालतू को कोई छोड़ता नहीं, इसलिए हमें फालतू नहीं बननी चाहिए। क्या बननी चाहिए हमें, किसका फालतू पालतू बननी चाहिए, ठाकुर जी की हमें फालतू बननी चाहिए। ऐसे नहीं अपने आप खरीदी करके पहन लिया, नहीं, किसी शुद्ध साधु से, शुद्ध साधु का हाथ से लेकर के ये गले में तुलसी की घंटी जरूर धारण करो। इसलिए उसमें बहुत सारे मेडिसिन है। जब आप गले में तुलसी कंठी धारण करोगे, अब बता रहे थे ना उसका पानी जब शरीर में जाता है बहुत सारी बीमारी अपने आप खत्म कर देती है। इसलिए जरूर गले में तुलसी पहना करो, फालतू होकर के मत रहा करो, क्या करो ठाकुर जी की पालतू बनो। उसके बाद तिलक, अब तिलक की ओर चलें। तिलक धारण करने की महिमा देखो, वैष्णवों का जो तिलक है उसको कहते हैं ऊर्ध्वपुंड। ऊर्ध्वपुंड मतलब नीचे से ऊपर करा हुआ ऊर्ध्वपुंड। ऊर्ध्वं नयति यत्कुण्ड्रं प्राणिनं पापकारिणं तस्याख्यं ऊर्ध्वपुंड्रेति तस्मात् तद्धारे ध्वजा। पापी से पापी व्यक्ति को भी भगवान के धाम में कोई पहुंचा दे वो ये तिलक है, वो ये तिलक है। यदि कहीं मर जाए व्यक्ति चलता चलता, अचानक से मृत्यु के बहुत सारे आपने बहुत सारी घटनाएं अपने कानों से सुनी होगी कि व्यक्ति चलता चलता मर गया, लेकिन भगवान का मस्तक, यदि मस्तक पर श्री भगवान का वैष्णव तिलक है ना तो निर्भय होकर के कहीं भी कुछ भी हो गए चिंता का कोई विषय नहीं है। तिलक मस्तक पर है, जिसके मस्तक पर भगवान का सुशोभित, भगवान का चिन्ह, भगवान का चिन्ह, ये वैष्णव ऊर्ध्वपुंड है तो चिंता की बात नहीं है। ममलोके महीयते, भगवान का वचन है मेरे धाम को जाएगा चाहे कैसा भी व्यक्ति हो। सबते बड़ी तिलक अरुमाला, भक्तमाल जी का है ये। सबते बड़ी तिलक अरुमाला, सदा सहाय रहे गोपाला। दूब साटी जो संत ही मारे, ताको चक्र सुदेशन जारे, ताको चक्र सुदेशन जारे। भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, भगवान का प्रेम ऐसा ही है। बांके बिहारी, इनका नाम बांका है, इनका नाम बांके बिहारी है, जिनकी भक्ति टेढ़ी मेढ़ी और टेढ़े है ना और टेढ़ी मेढ़ी है। इनका कुछ पता नहीं है कबरी जाए, सत्संग में आते रहो, क्या पता उस पंडाल के बाहर से जब व्यक्ति आप लोग में से कोई अंदर आवे तो देखते हुए जगन्नाथ जी सुभद्रा और बलभद्र के संग विराजित हैं और देखे कि वो कितने भाव से अपने चरण को इस पंडाल में, इस कथा सत्र के पंडाल में प्रस्तुत कर रहा है, तो क्या पता एक चरण धरते ही श्री जगन्नाथ जी रीझ जाए और क्या पता कब पुरी के समस्त दरवाजे आपके लिए खुले हो जाए और उसका दिव्य प्रसाद, क्योंकि जो प्रसाद देवन को दुर्लभ सोनर पावत
प्रविष्ट करा दें और आपका जीवन धन्यात धन्य हो जाए। भगवान का कुछ भरोसा नहीं है, जैसे किसी ऐसे व्यक्ति का कुछ भरोसा नहीं है ना, ऐसे भगवान का कुछ भरोसा नहीं है। भगवान भरोसे के लायक भी नहीं है, सच्ची में भगवान का कुछ भरोसा नहीं है। एक चीज से बीज जाए और अहंकार हो, तुलसी कंठी ना हो तो बीज ही ना। कौन पावे या गोपार प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या गोपार प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। देखो मैं सुना एक बात अनमोल, ब्रह्म निराकार रयो गोकुल में डोल। नंद यशोदा के द्वार, नंद यशोदा के द्वार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। श्री गौरांग महाप्रभु की, श्री गुरुदेव महाराज की, यहाँ पर उपस्थित समस्त कथा श्रोत्र वृंद की जय जय श्री राम। प्रेमचंद लोग आज प्रसाद किसने दिया? हाँ बोलो। हरे कृष्णा। आज के जो प्रसाद की व्यवस्था है, श्रीमती सुनीता जी जिन्होंने प्रसाद में सेवा दी है, लेफ्टिनेंट अमरदीप कौशिक जी और ईश्वर दयाल दीपांशु कुमार आनंदी मंडी में, जिनके मैंने नाम बोले हैं, वो गुरु जी के पास आ जाएं और यहाँ पर आकर गुरु जी से आशीर्वाद ले लें। जल्दी करके आ जाओ, जिनके नाम बोले हैं आ जाइए यहाँ पर। ठाकुर जी इन सबको ऊपर में कृपा करें, इनको खूब भक्ति दे, खूब फलते फूलते रहे, क्योंकि भागवत कथा में एक अन्न दाना भी अगर कोई दान दे। हरे कृष्णा। ठाकुर जी हरि बोल। कभी भी ठाकुर जी हरे कृष्णा घर में किसी चीज की कमी नहीं रहती है। आज जिसका नाम लिया आ जाओ सबके साथ। दीपांशु मम्मी बैठी है पीछे, वो आ जाए गुरु जी के पास। हरे कृष्णा। पीछे जितनी बाइक खड़ी है, कल भी हमने बोला था, जितनी स्कूटी खड़ी है, जितनी साइकिल खड़ी है, कृपया वो जो हमारा रथ खड़ा है उसके भाव लेकर खड़ा कर लें। वहां पर असुविधा हो रही है, सब वहां पर ले जाएंगे। हमारे जो पीछे बुक स्टॉल लगी है, ग्रंथ लगे हैं, जितने यहाँ पर लोग कथा सुनने आ रहे हैं, कोई ग्रंथ 10 रुपए का है, कोई 20 रुपए का है, कोई 30 रुपए का है, कोई 50 रुपए का है। यहाँ पर आने का जब भी आपको लाभ है, जब वहां से कोई ना कोई एक ग्रंथ आप खरीद के ले जाएंगे और उस ग्रंथ को घर में जाके सुबह उसे पढ़ेंगे, तो आप सभी से प्रार्थना है कि वहां से कुछ ना कुछ ग्रंथ, जैसे भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार, वहां से ग्रंथ जरूर लीजिए। हाँ देखो, ये ग्रंथ की बड़ी महिमा है। हम लोग तो चले जाएंगे, अगर किसी, अगर ये बच्चा आपको मैंने पहला बार सुनाया होगा, एक व्यक्ति अमेरिका में जब गीता जयंती आई, ध्यान देकर सुना, गीता जयंती में, ये अमेरिका का कथा है, वो गीता जयंती में वो गीता बांट रहे थे, एक प्लेन से एक व्यक्ति उतरा, बोले भैया माता जी ले लो, बोले देखो ये गीता लो, बोले क्या बेकार गीता भी ए, बेकार है। और थोड़ी दूर गए और एक व्यक्ति भी खड़ा हुआ था, वो इस्कॉन के भक्त थे, बोले गीता लो, बोले क्या गीता गीता है। लेकिन देखा 5-6 व्यक्ति लाइन से खड़े हुए, बोले भैया ले ही लेते हैं। उसने $2-4 दे करके गीता ले लिया, बोले बेकार चीज है, उसने ड्रा में रख लिया। एक दिन वो व्यक्ति इतना डिप्रेशन में आ गया, सोचा मैं आज सुइसाइड करूंगा। ऑलरेडी पंखे में उसने रस्सी लगा चुका है, सुइसाइड करने जा रहा है। जब इतने में उसको पास में बंदूक भी था, वो सब सुइसाइड करने जा रहा था, जिसमें वो बंदूक था उसी में ये भगवत गीता थी। उसने जब ड्रग खोला, वो बंदूक पकड़ने के लिए गया, वो बंदूक तो नहीं आया, आया भगवत गीता। उसने मरने जा रहा था, सोचा भैया गीता पढ़ कर देख लेता हूँ क्या लिखा हुआ। जब उसने पहला पन्ना उसने निकाला, उसमें कृष्णा अर्जुन को कह रहे, बोले अर्जुन हम ये शरीर नहीं, हम ये आत्मा है। जैसे एक कपड़ा पुराना होने पर हम उसको छोड़ करके जैसे नए कपड़े धारण करते हैं, उसी तरह ही जो आत्मा है, न जायते न म्रियते अर्जो नित्य शाश्वत, ये आत्मा केवल ये शरीर बदलती है, वो आत्मा नित्य शाश्वत है।
लेकिन हमें ये शांति क्यों नहीं मिल रहा है? देखो ध्यान देकर के, बोले शांति क्यों नहीं मिल रहा है? कृष्ण उदाहरण दिए जैसे कि पिंजरा है, पिंजरा को अंदर में एक तोता है, अगर हमने वो तोते को खाना नहीं खिलाए दिन भर ये पिंजरा को केवल पेंटिंग करते रहे, बताओ वो तोता जिंदा रहेगा कि नहीं? नहीं रहेगा। उसी तरह हमारी अंदर में जो आत्मा है वो परमात्मा के अंश है, तो उसका आहार क्या है? बोले भगवान की भक्ति है, भगवान की प्रेम है। अगर तुम भगवान की प्रेम नहीं करोगे, ये शरीर को ही ब्यूटी पार्लर में लेकर सजाओगे, इसको ही खिलाओगे, इसको पिलाओगे, फिर तोता तो खत्म हो जाएगा। अगर तुम वास्तव शांति पाना चाहते हो, अंदर में जो तोता उसको खाना खिलाओ। बोले उसका खाना क्या? बोले ये आत्मा परमात्मा की अंश है, जब तक उसकी भक्ति नहीं करेगी तब तक ये आत्मा को कभी शांति नहीं मिल सकती। देखो वो सुइसाइड करने जा रहा था, ये नया बात उसको जिंदगी में सुनने को मिला। पूरा उन्होंने भगवत गीता को उन्होंने पूरा उन्होंने रात भर पढ़े, सुइसाइड नहीं किया, एक मतलब दिव्य ज्ञान मिली। बोले भैया ये ग्रंथ आया कहां से? उसमें फोन नंबर था, उसने फोन से उन्होंने फोन किया है, फोन करके बोले आपसे मैं मिलना चाहता हूँ, मेरी अंदर में कुछ शंका कुछ प्रश्न है। बोले सवेरे आओ। वो जो सुइसाइड करने जा रहा तो सुइसाइड नहीं किया, रात भर भगवत गीता पढ़ा और सवेरे फिर जाकर के उनसे मिला, प्रश्न किया हमें शांति क्यों नहीं मिल रहा है, हम तो जो कुछ करते हैं शांति सुख के लिए, बल्कि जिस चीज को शांति के लिए करते हैं वो अशांत हो जाता है, वो सब दुख का कारण क्यों बनता है? उन लोगों ने फिर उन्होंने बताया, देख बेटा हम ये शरीर नहीं है आत्मा, ये आत्मा परमात्मा की अंश है, जब तक ये आत्मा परमात्मा की शरण में नहीं जाएगा ये जगत का कोई भी वस्तु तुम्हें शांति नहीं दे सकती। जिसने ये दुनिया बनाया वो स्वयं कहता है दुखालयम असासतम, ये दुख का घर है, ये संसार में सब अनित्य है, जो अनित्य वस्तु तुम्हें नित्य शांति कैसे दे सकती है? उसने सब छोड़ करके सन्यासी बना, हमारे जैसे साधु बना, अभी वो व्यक्ति सन्यास लेकर के संपूर्ण पृथ्वी में हमारी ये गीता को प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन हम नाम से केवल हिंदू है, किसको पूछो तो सुनाओ कोई भगवत गीता की कोई श्लोक है, सब ऊपर देखेंगे, पूछेंगे कौन हीरो का नाम क्या, वो सब याद है, कौन प्लेयर का नाम क्या, ये तो सारे याद है, लेकिन गीता की कोई श्लोक भी, हमारी शास्त्र की कोई श्लोक भी हमें याद नहीं है, दुर्भाग्य का विषय है। मैं पहले बता रहा था ना, किसी मुसलमान किसी बच्चे को कुरान पूछो एकदम धड़ाधड़ बोलेंगे, हमारे किसी हिंदू बच्चे को पूछ लो कोई रामायण का को कोई प्यार सुनाओ, गीता का कोई श्लोक सुनाओ, कुछ नहीं जानते। लेकिन कुछ बच्चे अभी सीख रहे हैं, हमारे मंदिर में जिनके पिता माता आते थे ना, जैसे ये माता जी आती है और कुछ माताएं हमारी मंदिर में आते हैं, देखो रोज रोज वो बच्चे लोग कुछ कुछ कथा सुना रहे थे ना, अभी वो बच्चों को हमारी मंदिर में बाबा लोग उनको गीता रामायण पढ़ाते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हो आपका बच्चा आपको सम्मान करे, आपकी चरण छुए, आपकी पूजा करे, मंदिर में भेजो, खुद पहले तो आओ, पहले तो पिता माता गुरु है ना, पहले खुद आओ, बच्चों को भी लाओ, जिस घर में बच्चे भजन करे भक्ति करे वो घर नहीं भगवान की धाम बन जाएगा, भगवान की वो धाम बनेगा। इसलिए आप लोगों को ये जो ग्रंथ है, ज्यादा पैसा नहीं है, 10-15-20 ऐसे कुछ रुपया की ग्रंथ है, उसको जरूर लेकर के जाओ, जरूर एक एक ग्रंथ एक एक व्यक्ति लेकर के जाना, बच्चों को पढ़ाओ, खुद भी पढ़ो, जिसमें शांति और जिसमें सुख का जिसमें संभाव। ठीक है, अभी आप लोग खड़े हो जाओ। हाँ बोलो, हरे कृष्णा। हाँ, जिन लोगों को इच्छा है हम हरि नाम लेना चाहते हैं, आप लोग कल सवेरे आप लोग आश्रम में आ सकते हो, 8-9 बजे आ सकते हो, आकर के हरि नाम ले सकते हो। इसलिए अभी प्रभु जी एक सुंदर भजन गाएंगे, आप लोग ये भजन में नाचने का भजन है, सबके सब भाव विभोर होकर के सब सब नृत्य करना। हरे कृष्णा। तो बाइक खड़ी है पीछे और स्कूटी खड़ी है, साइकिल खड़ी है, कृपया वो हटा लें, बार बार अनाउंस करना पड़ता है, अच्छी बात नहीं है। हरे कृष्णा। राधे ओ वनवासी,
तेने को तपस्या की तीन सोते राधे रानी को हमारी श्यामा प्यारी को राधे रानी को हमारी श्यामा प्यारी को ऐ मिश्री सौ ओ मिश्री सौ ऐ मिश्री सौ मीठो राम
हरे कृष्ण आरती श्री भागे बिहारी तेरी आरती गाओ भागे बिहारी तेरी आरती गाओ आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ भागे बिहारी तेरी आरती गाओ भागे बिहारी तेरी आरती गाओ मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोए मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोए
हाथ उठाओ। बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल श्रीमद् भागवत कथा
परितामुखी जय बोले श्री सुखदेव गोस्वामी की जय बोले श्री परीक्षित महाराज की जय बोले श्री सुत गोस्वामी की जय बोले श्रीमद भागवत कथा मृतम की जय बोले पर्वतवासी भक्त वृंद की जय बोले श्री गुरुपाद पद्म की जय श्री प्रभुपाद की जय जय जय